Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is your instructor Mohammad Farhan. I hope my वालेकुम voice सलाम is सर। clear. I hope my voice will be clear to you. मतलब is it good? कुछ distortion तो नहीं, problem तो नहीं आप लोगों को सुनने में मुझे? सर यू लाउड एंड क्लियर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आवाज आपकी सर ठीक है, बस थोड़ा सा लाउड, अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलना है सर प्लीज. थैंक यू. ओके, अच्छा मैं सॉरी सॉरी, मेरी आवाज का अभी तबीयत के लिहाज से थोड़ा सा मसला चला, दैट्स व्हाई कोई आवाज, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सो मुझे ये बताएं पहले, क्योंकि जैसे कैमरा प्लीज वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा, सही है? बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक, सही है? थोड़े क्वेश्चंस आज केटर कर लिए जाएंगे, क्योंकि इट टेंड्स टू हैपन के एक पहले एक दो क्लासों में थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, आउट ऑफ द टॉपिक भी होते हैं थोड़े, तो इट्स ओके. बट जाहिर सी बात है, हमें मेन सब्जेक्ट पे भी अपने रहना है. सो वन थिंग, के मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किन की ये फर्स्ट, आई मीन फर्स्ट क्लास है अभी आज? ऑल आर न्यू, और ये कि आप जी लोग पहले मेरी ले मेरी चुके? आज सॉरी, नहीं सर, आज फर्स्ट क्लास, सॉरी, फर्स्ट क्लास आज मेरी है। फर्स्ट क्लास है आज. ओके चलो, ओके. तो मुझे असल में थोड़ा ये होगा कि मैं, मेरी आदत है अच्छा सर, थोड़ा सा मैं टॉपिक. एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ. मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया. अच्छा जी जनाब, जी जनाब. सर, मैं ये कहना चाहता था कि आज हमारी ऑफिशियली फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई. जिन लोगों ने ये मतलब सेशन के लिए सबमिशन की है, जो भी बाय किया. जी, ओके ओके ओके. ऑफिशियल, ये देखिए ये सवाल जो है ऑफिशियल, ये आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा कि क्या मामला है. बट लाइक आज अब प्रॉपर क्लास समझें तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ प्रॉपर क्लास, राइट? तो डेमो वाला मामला जो है, आई प्रॉपर फर्स्ट क्लास है मेरी, डेमो हमने हाँ मतलब किया कल है. भी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन था ना, उसमें भी टॉपिक्स जो हमने कवर किए वो बड़े प्रॉपर कवर किए हैं, राइट? तो मैं आज थोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है कि पहली एक दो क्लासों में थोड़ा स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इश्यूज आते हैं, तो मैं मेरी प्लीज ये कैमरा ऑफ करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं कैमरे की, वॉइस इज गुड. तो उसमें यह है कि सवाल जवाब होते हैं, नए भी आते हैं, चल रहा होता है, फिर एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर एक रिदम बन जाएगा, तो हम उसमें थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें भी डिस्कस करेंगे. आज थोड़ी थ्योरी के हवाले से भी मामला चलेंगे, तो उसमें यह है कि थोड़ी बहुत मतलब ये बेयर करना पड़ेगा. उसमें ये है कि हाँ जी, हमें नए लोगों का भी सवाल आएंगे और मैं थोड़ा रिपीट भी करूंगा. मेरी आदत है कि सेकंड क्लास जो होती है उसमें थोड़ा मैं पुराना भी रिवाइज करवाता हूँ ताकि नए आने वालों को भी प्रॉब्लम ना हो. सही है जी. गुड गुड सर, अच्छा गुड. जी, सर सो कोई वीडियो शेयर नहीं हो रही सॉरी, आपकी? वीडियो वगैरह मतलब कोई वो स्क्रीन नहीं आ रही सर? हाँ वो हम जरा इंटरनेट के हवाले से बेहतर करते हैं, वॉइस पे चले, बिकॉज पे उसमें ग्लिचेस आना शुरू आते हैं ना, थोड़ा एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डेड है नहीं, लाइव है, दैट्स व्हाई. अच्छा जी, तो हमारी अप्रोच वीडियो की नहीं है, वी आर ऑन वॉइस. जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो वॉइस पे, जूम पे वॉइस पे चल रही होती है. चले जी, किसी और का सवाल, कोई किसी और ने भी हैंड रेज किया था. आप रिकॉर्डिंग प्लीज ना करें, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप कोई भी आप में से जो नहीं है नहीं सर, रिकॉर्ड हम तो करना नहीं ना कर रहे. करें. वो एक हमें पर मैसेज आ रहा था, किसी साहब ने एक्टिव किया हुआ था ना, तो ओके ओके ओके. ओके. वालेकुम सर सलाम जी. अच्छा सर, ये मैंने पूछना था कि ये जो कोर्स है इसकी, आप कह रहे थे ना नेक्स्ट वीक से प्रीमियम पे आप लोग शिफ्ट होंगे, तो कोर्स की फीस का भी थोड़ा सा बता देंगे क्या, आप देखिए, फीस ये मेरा स्ट्रक्चर है डोमेन क्या? नहीं है, ये आप जो है आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें, और चैट में मैसेज भी आया हुआ है, कोऑर्डिनेटर का नंबर भी शेयर हुआ हुआ है आप लोगों से, सो इट्स बेटर टू कांटेक्ट विद कोऑर्डिनेटर. ये इंस्ट्रक्टर का डोमेन नहीं है और यहाँ पे फीस और इस हवाले से अभी बात नहीं की जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप जो मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेटर, उनसे जाकर रब्ता कर लें. सही जी. जी मोहम्मद तैयब साहब, प्लीज कैरी ऑन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी मोहतरम. सर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फेडरल इनकम टैक्स, जी जी जनाब. इसमें रेड कलर के साथ दो ऑप्शन लिखी हुई थी, रेगुलर एंड अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स. जी. सर इसमें ये दोनों जरा बता दें, रेगुलर और इसमें दोनों में मिनिमम टैक्स, दोनों में क्या फर्क है अल्टरनेटिव देखें, में? अभी अभी आज ये डिस्कस नहीं होगा तैयब, हम जैसे आगे जाएंगे ना, जब प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तो ये चीजें डिस्कस की जाएंगी. अभी अगर मैं एक को समझाने जाऊंगा दूसरों को समझ में नहीं आएगा, तो मैंने आपसे ये कहा ना कि रेलिवेंट टू द टॉपिक रहेंगे,
और टॉपिक के साथ साथ चलेंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी वक्त के साथ साथ। सर तो ये वो ये मैंने स्लाइड एग्जाम्पल के अंदर थी चीज, तो मैंने इसलिए आपसे कंफर्म मतलब किया। मैं कह रहा हूँ कि वो स्लाइड में बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो वो मैं जी खाली बेहतर स्ट्रक्चर बताने के लिए था ना, बेहतर सर स्ट्रक्चर बेहतर, बताने के लिए था। थैंक तो यू ये वो सब थैंक चीजें यू। कवर हो जाएंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। तो ओके थैंक यू वेरी मच। चले, नो वरीज। अच्छा जी अबीबुल्ला साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन अभी शो शेयर हो नहीं हो रही। जाएगा, अभी शेयर हो जाएगी जनाब, अभी शेयर हो जाएगी। ठीक हो गए सर। थैंक यू। अच्छा जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए शेयर हो गई स्क्रीन जनाब। जी सर, जी सर, हो रही है चलिए सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा मैं थोड़ा रिपीट कर दूं जनरल, हमने मैं थोड़े सवालात करूंगा और मैं जिनका नाम देखें, पहले तो बैकग्राउंड पे प्लीज अपनी वो कर दें, म्यूट कर दें सर। अच्छा जी तो अब ये है कि मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, जो नए हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो पुराने हैं उनका भी थोड़ा ये हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, राइट। सो हम थोड़ा अपनी स्टार्ट करते हैं तरतीब बैक से। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने कल दो तरह के टैक्स की मेन बात की थी, तो यूएस टैक्सेशन में एक तो होता है फेडरल और एक स्टेट, सही है। तो फेडरल के अंदर कौन कौन से मतलब हम फॉर्म, हम अगर बात करें स्पेसिफिक टू फेडरल, अगर मैं फेडरल भी नहीं कहता, मैं चले जनरल टैक्स फॉर्म्स की बात करता हूँ, तो क्या कौन कौन से फॉर्म हमने डिस्कस किए थे, कौन बताएगा? पहले हैंड रेस करना है और देन फिर वो जवाब, जब मैं जिनका नाम लूंगा फिर वो जवाब देंगे। तो कल हमने टैक्स टाइप टैक्स फॉर्म्स की बात की थी ना, उस हवाले से जी मोहम्मद आतिफ आप बताएं कौन कौन से टैक्स फॉर्म्स की हमने बात की थी। जी मोहम्मद आतिफ, उसमें 1040 की बात की थी, और उसके अलावा जो 1040 है वो इंडिविजुअल टैक्स है, जी और जनाब, उसके अंदर 1120 की बात की थी जी जो सी क्रॉप है, और 1120S की बात की थी, और 1065 की जो कि LLC की है। LLC तो सारी हैं, मतलब 1065 जो है वो मैंने स्पेसिफिक उसके लिए 1065 में क्यों यूज करूंगा, ये मैं सवाल तैयब से पूछूंगा। मोहम्मद तैयब साहब, मैं 1065 क्यों यूज करूंगा? सर 1065 पार्टनरशिप के लिए यूज किया जाता है। LLC तो तकरीबन बिजनेस जो है वो LLC पे तकरीबन चलते हैं, तो जो जो LLC होगी अगर वो पार्टनरशिप, उसकी बैकग्राउंड पार्टनरशिप पे बेस कर रहा है, तो वो जो है मैं उसके लिए फॉर्म 1065 यूज करूंगा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को मुझे रिपोर्ट करना है, सही है। अच्छा मुझे अगर एस कॉर्प को रिपोर्ट करना है तो नौमान साहब आप बताएं, अगर मुझे एस कॉर्प को रिपोर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? जी नौमान, अगर मुझे एस कॉर्प को रिपोर्ट करना है तो वो कौन से फॉर्म पे होगी? एस कॉर्पोरेशन, मेरी एस कॉर्प। आपने हैंड रेस किया हुआ है नौमान, पहले आप इलेवन बताएं। ट्वेंटी अच्छा जिनसे पूछा जाए प्लीज वो हैंड रेस करेंगे, जिसका मैं नाम वो बताएंगे जी। अच्छा जी चले आप आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। लोअर हैंड कर दें आप लोग, मैं थोड़ा स्लाइड को बैक पे ले गया हूँ, ले जाता हूँ। जैसे कल के एक रिकैप कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट रिकैप होगा, जो नए भी आए हैं और थोड़ा जिनके जो पुराने भी, एटलीस्ट उनको रिकॉल थोड़ा हो जाएगा। सर, मैं अच्छा थोड़ा जी सा कर सकता था, बात कंप्लीट नहीं कर जी सका। जी मोहतरम फरमाइए, जल्दी फरमाइए। जी 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 सर, आई थिंक कि हमने जो बेसिकली ये हमने चार फॉर्म्स को कल डिस्कस किया था, जिसके अंदर जी जी 1040 था, जिसके अंदर 1065 था, और जी 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 1120C था, 1120F था। ठीक है इलेवन ट्वेंटी सर। एस है, 1120 कहलाएगा, 1120C नहीं कहलाएगा, वो सी कॉर्प के लिए जो फॉर्म होता है वो इलेवन ओके ट्वेंटी ओनली 1120, नॉट ओके, सी। वो मतलब मैंने थोड़ी उसको कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन का फॉर्म था हाँ वो, बट इलेवन फॉर्म ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी, आपको 1120C कहेंगे तो जिसकी परेशान हो जाएगा कोई, सही है, ओके इलेवन ओके ट्वेंटी ओके कहलाएगा, जिसका जिसका मेरे ख्याल टैक्सेशन भी 21% है, बाकियों से डिफरेंट है थोड़ा कॉर्पोरेट सा टैक्स उस पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ट्वेंटी जी। वन परसेंट और करंट हाँ ट्वेंटी तो वन बिल्कुल परसेंट है वो राइट। जी, और जो इंडिविजुअल की टैक्सेशन जो शुरू होती है वो 10% से लेकर 37 फिगर होती है, ठीक वो है सर। मैं सर अभी थोड़ा ओके रिकैप करूंगा ना, वो सवाल जब करूंगा जब आप जवाब देंगे, सही ओके मोहतरम। थैंक ओके ओके यू जी, बहुत ओके बहुत ओके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, सो कल क्लास हमारी हुई थी, इसमें थोड़ा रिकैप मैं करवा देता हूँ, देखें क्योंकि नए भी हैं और सही है जो पुराने भी हैं, एटलीस्ट चलो रिकॉल ही हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अल्लाह ने चाहा तो हमारी एक प्रॉपर रिदम से क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें फिर हम टुवर्ड्स प्रो कनेक्ट प्रैक्टिकल भी जाएंगे,
प्रो कनेक्ट का भी थोड़ा आपको वर्जन, ट्रायल वर्जन जो था वो मैंने आपको दिखाया था। सो यूएस टैक्सेशन जो है बेसिक, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम आपको वैसे तो बेसिक टैक्सेशन क्या है वो तो बताए बता ही रहे, एंड उसमें मेन जो पार्ट है वो इंडिविजुअल टैक्सेशन क्या है, बिजनेस टैक्सेशन धन है, फिर इसमें आप हम कवर करेंगे प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर जो किस तरह का दिखता है, ये प्रो कनेक्ट का इंटरफेस है, सही, ये ट्रायल वर्जन है, राइट। ओके जी, आप लोग भी ट्रायल वर्जन पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको बनाना सिखा दिया जाएगा, तो किस तरह करना है क्या करना है आपको असिस्ट भी किया जाएगा इंशाल्लाह उसमें, तो वो फिर हम अपने प्रॉपर उसमें रिदम में आ जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्रूशल पॉइंट है, तो बहुत जरूरी है। अभी मैं क्लास जो ले रहा हूँ वो आप लोगों से पहली क्लास है, तो दे आर इन प्रैक्टिस, राइट, तो वो कह रहे हैं उसको प्रैक्टिस, तो माशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, तो वो क्लास काफी मेच्योरिटी की तरफ जा चुकी है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह उसी पाथ पे जाएंगे। तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे कि पेरोल में टैक्सेशन क्या है, कौन कौन से होते हैं, वो भी हम बात करेंगे, सही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्दर क्लास, हम आगे बढ़ते हैं। सो टैक्स जो मेनली होते हैं ना, एक फेडरल चलता है और स्टेट चलता है, यूएस इज यूनाइटेड स्टेट्स, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्टेट्स हैं, तो फेडरल टैक्सेशन भी है, स्टेट टैक्सेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, फेडरल देख रहा होता है और बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेट टैक्स देख रहा होता है, सही है। तो हमें पता है कि जी टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को पे करते हैं वो फेडरल टैक्स कहलाते हैं, प्रोविंशियल बेसिकली आपको समझाने के लिए यहाँ पे दादा भाई, जैसे हमारे यहाँ पे सिंध है, पंजाब है, उनके प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, इस तरह वहाँ पे स्टेट होते हैं स्टेट वाइज, तो वहाँ पे टैक्सेस हो गया, वायोमिंग हो गया, सही है, इस तरह उसका और भी आपके हैं स्टेट्स, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स हैं, तो उन सबका अपना अपना एक तरीका है, सही है, वो टैक्स उस स्टेट अपने तरीके से टैक्स लेता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या फॉल करता है, फेडरल बॉडी कौन सी है, स्टेट क्या करती है, सब चीजें। मैंने एक टैक्स की नॉर्मल सी डेफिनेशन कल समझाई थी कि भाई टैक्स है क्या चीज, माशाल्लाह आप लोगों में से बहुत सारे तो जानते ही होंगे, बट स्टिल एक पार्ट ऑफ कोर्स है, थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टैक्स, ऐसे भी हमारे पास लोग हैं जो फाइनेंस की फील्ड से नहीं है, अकाउंट्स की फील्ड से नहीं है, तो दे आर न्यू, बट ये कोर्स ऐसा है कि, और स्पेशली आईएएस, प्लीज म्यूट म्यूट कामरान साहब म्यूट करते हैं, सॉरी। सो टैक्स एक पेमेंट है, मैंडेटरी पेमेंट है, जो हमारे यहाँ पे लोग, आई डोंट, अब ये अगर फिगर्स पाकिस्तान में देखी जाए तो टैक्स पेयर्स की तादाद ज्यादा नहीं है, लोग कतराते हैं टैक्स देने से, इतने ज्यादा सेवी नहीं है, इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मतलब टैक्स के नाम से ही जरा घबराते हैं ना, हमारे यहाँ पे जैसे इस तरह यूएस में नहीं है, तो वहाँ पे जो है मेजोरिटी टैक्स में जो बहुत ज्यादा आवाम जो है मेजोरिटी ऑफ देम आर टैक्स पेयर्स, सही है। सो दैट्स व्हाई उस वहाँ पे काम भी बहुत है, स्पेशली जब से ये बीपीओ कल्चर आया है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी बीपीओ के हवाले से, तो बीपीओ क्या है, बीपीओ बीपीओ क्या है, क्या स्टैंड फॉर व्हाट, कौन जवाब देगा कि बीपीओ, मैंने कल बताया था बीपीओ इंडस्ट्री है क्या, व्हाई वी कॉल इट बीपीओ, कौन बिजनेस बताएगा। मैन जी अच्छा, वैसे एक आउटसोर्सिंग डेकोरम हम क्लास का मेंटेन रखेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आप लोगों ने करना हैंड रेस, फिर जब जिसका जो हैंड रेस करेगा मैं उसको अपनी तरतीब से उसका नाम लूंगा, देन वो फिर अपना अनम्यूट करके जवाब देंगे, इससे एक डेकोरम भी कायम रहेगा ना, वरना 5-6 बंदे एक साथ जवाब दे रहे हैं अनम्यूट करके, तो वो फिर मजा नहीं आता, तो इनशाला आप वक्त के साथ तो सीख जाएंगे, तो जिनका मैं नाम लूंगा जो हैंड रेस करें आप, तो ये अगर क्वेश्चन होगा किसी का वो भी हैंड रेस करे, बट मेरी अब तरतीब ये है कि नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, और जब मैं कहूंगा कि आप सवाल पूछें तो आप पूछेंगे, ताकि डेकोरेशन कायम रहे, एक रिदम कायम रहे, सही है ना, और किसी को फिर तकलीफ भी ना हो। सो थिंग इज दैट के जो टैक्स जो है वो क्या है, एक मैंडेटरी पेमेंट है, सही है, और जो कि लोकल लोकल गवर्नमेंट भी लेती है किसी तरीके से, और स्टेट भी लेता है, और नेशनल ऑफिस फेडरल गवर्नमेंट भी लेती है, तो इंडिविजुअल्स पे भी लगता है टैक्स, बिजनेसेस पे भी लगता है, और मेन इसका मकसद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं सर, किसी और गुड्स के हवाले से, एक्टिविटीज के हवाले से, या किसी ने रोड बनानी है, कोई तरक्की के काम है और भी है, तो बजट भी बनता है हमारा, जिससे हम देखते हैं, तो वो टैक्स अमाउंट पे बहुत ज्यादा बेस कर रहे होते हैं ना, तो जितने ज्यादा टैक्स पेयर्स होंगे तो उतना ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा है, सही है, दैट्स द मेन थिंग, कि इकोनॉमी भी इससे बेहतर होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वन ऑफ द फैक्टर्स टैक्सेस एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और यूएसए अगर इकोनॉमी में आप देखें तो वहां पे मेजोरिटी आर टैक्स पेयर्स, तो दैट्स व्हाई आप उसकी इकोनॉमी भी बेहतर तरक्की कर सकती है उस कंट्री की, राइट। अच्छा जनाब, सो फेडरल
फेडरल टैक्सेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि फेडरल टैक्स क्या है, और हम इसमें हमारा इसमें हम क्योंकि हमारा मेजर जो काम होगा ना वो फेडरल टैक्स का ही होगा मेजर काम। स्टेट आप कहेंगे सर स्टेट टैक्स प्रो करने का हम जब इस्तेमाल करेंगे ना, जब आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि सवाल होते हैं हर नए बंदे का सवाल होता है सर व्हाट अबाउट स्टेट टैक्स, चले फेडरल तो आप बोल रहे हैं पर व्हाट अबाउट स्टेट टैक्स। तो स्टेट टैक्स में इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज अगर मैं प्रो करने की एग्जाम्पल आपको दूँ, मिसाल के तौर पर ये एक रिटर्न हमने बनाया है जो पास क्लास में प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, उसके हवाले से एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, एक मिसाल ले लेता हूँ। तो उसमें एक चीज यूज होती है स्टेट भी, ये सिर्फ फेडरल इसमें काम नहीं कर रहा होता, इसमें स्टेट टैक्स भी काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया इज एन इज ए स्टेट राइट, ये स्टेट है जॉर्जिया, तो हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। किस तरह इंक्लूड किया है ये आपको आगे क्लास में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एवरीथिंग भी मिलेगा, अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी आप समझें कि हम जा किस तरफ रहे। तो ये तो प्री मेच्योर क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन के सर किस तरह होगा क्या होगा वो सब जब प्रैक्टिकल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। सही है, तो ये जॉर्जिया एक स्टेट है यूएस का राइट, इसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये बाकी तो फेडरल है कि फेडरल, अच्छा फेडरल बॉडी कौन सी है वहाँ पे वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, एक जनरल बता रहा हूँ ताकि ये स्टेट सर क्यों अलग नहीं है सेम क्यों है। तो ये रिटर्न जो है ना प्रो कनेक्ट और कोई भी सॉफ्टवेयर हो हम प्रो कनेक्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, ये क्लाउड बेस्ड इंस्टीट्यूट का अच्छा प्रोडक्ट है और रिक्वायरमेंट भी मार्केट में इसकी ज्यादा होती है। तो आपको वंस आपको अगर सॉफ्टवेयर कोई भी समझ में आया तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हो, अगर आपको उसका साइकिल समझ में आ जाए हाउ थिंग्स वर्क, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टैक्स रिटर्न में करना क्या है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपको ड्राइव करना आती है, ज्यादातर तो मैरान पे सीखते हैं ना किंग पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैरान पे अगर मैंने गाड़ी सीख ली तो मैं मैरान ही चला सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और गाड़ी चला नहीं सकूंगा। आपने वंस मैकेनिज्म समझ लिया, प्लीज ये पेन को क्लोज कर दे, उमेर अब्बासी ये स्क्रीन पर मार्क्स आ रहे हैं, काइंडली इसका ख्याल रखें, बीच में डिस्टॉर्शन भी हो जाती फिर। अच्छा जी, तो मामला क्या है कि अगर आपने मेहरान पे कोई छोटी गाड़ी पे भी सीख लिया तो आपके लिए आसान क्या, अब मैं ये अब्दुल अजीम सेम देखें प्लीज, आप लोग स्क्रीन पे कुछ ना करें, आई डोंट नो इफ यूर गाइज आर यूजिंग मोबाइल या लैपटॉप की कोई स्क्रीन है आपकी टच स्क्रीन, ये देखें, ये प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ पैन अगर इस्तेमाल करनी होगी वो मैं करूंगा, आप लोग प्लीज इसको ना करें, थैंक यू। ओके सो मामला क्या है कि अगर आपने गाड़ी सीख ली चलाना कोई भी गाड़ी पे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप दूसरी गाड़ी भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह, उससे एडवांस गाड़ी भी। सो आपको मैकेनिज्म समझाया जाएगा और हाउ थिंग्स वर्क, टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल किया, किस तरह फिल किया जाता है, किस तरह फाइल किया जाता है। आप प्रो कनेक्ट पे अगर सीख जाते हो और डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, उसके मैकेनिज्म को समझने में, बट यू विल बी गुड टू गो, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। जी शहजाद आपका सवाल। सर सर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि जाके वेबसाइट के ऊपर FPR की एक इंडिविजुअल जो है वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर लेता है, सेम वाइज जी जनाब, जो US सिटीजन है वो चाहे खुद जी जी या जी वो मेरा अगर पोटेंशियल क्लाइंट है, क्या हम IRS की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ नहीं ये सारा कर सकते? नहीं बॉस, IRS का अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना, IRS इससे बड़ी जिम्मा है, उसने क्या किया थर्ड पार्टी को ये सारे मामला दे दिए, तो थर्ड पार्टी प्रो कनेक्ट इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर राइट, सही है। इसमें सर इसमें या इसमें स्टेट जी यानी कोई जी जी जनाब यानी कोई भी जो US इंडिविजुअल है वो बाउंड है के वो कोई सॉफ्टवेयर अपनी सॉफ्टवेयर के जरूरी जरिए ही वो रिटर्न फाइल कर सकता है, चाहे पेपर वो फाइल भी कर किसी सकते को हैं सर, हायर कर। पेपर फाइल भी कर सकता है, पेपर फाइल भी कर सकता है, अच्छा मतलब अच्छा हम तो अच्छा ई सर फाइलिंग की बात कर रहे मैं हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कहला रही है, ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल समझ करना, गया। ये ई फाइलिंग के जमाने में आता है, आप पेपर फाइल भी कर सकते हो, पर पेपर फाइल जो है ना वो अब बहुत आउटडेटेड वर्जन हो गया है, समझो आप मेरी बात, क्योंकि जी, कॉम्प्लेक्स मैं समझ गया। सिनेरियोस में आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं जो आप इंशाल्लाह जब डेटा एंट्री स्टार्ट होगी हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा तो आपको मालूम पड़ेगा, सिर्फ सिंपल एक फॉर्म नहीं है ना, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग जी होती है, तो फिर आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हो इट्स बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हो जाएगी, वो तो कहते हैं ना कंबरसम एक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन जी वाला काम हो जाएगा। सो
प्रोफेशनल यूज सॉफ्टवेयर, सही ना, बल्कि अब यूएस में भी जो खुद के रिटर्न्स फाइल कर रहे हो तो वो भी प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर, जैसे इंट्यूट का प्रो कनेक्ट भी आता है, तो ये वो उन लोगों को फोकस करता है जिनके रिटर्न्स थोड़े आसान होते हैं और जो है वो खुद फाइल करना चाह रहे हैं, वो किसी की सर्विसेज नहीं लेना चाह रहे। स्टिल पीपल, लोगों को सर्विसेज की जरूरत होती है, क्योंकि हम आपको सिर्फ वो नहीं सिखाएंगे डेटा एंट्री करना, बेसिक हमारा मकसद ये है कि आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी देंगे कि भाई प्लानिंग का पार्ट किस तरह होता है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे डालनी है तो फायदा हासिल होगा। बिकॉज टैक्स का अल्टीमेट मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि यार फाइलिंग करना, आप अगर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने का सोच रहे हैं, अपना काम अपना बिजनेस है, आप कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे पास शायद इस ग्रुप में भी स्टूडेंट है जो अमेजन का भी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और दे वांट वो अगर लेट्स से कोई अपना भी काम कर रहा है अमेजन पे, वो चाह रहे हैं मैं अपना रिटर्न खुद फाइल करूँ यूएस में, मेरी एलएलसी फॉर्म हुई है, मेरी कंपनी है वहाँ पे, तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह फाइल करना है, किस तरह में फायदा, देखिए टैक्स बेनिफिट बेसिक मकसद है टैक्स बेनिफिट। अगर आप इंफॉर्मेशन खाली इनपुट कर रहे हैं और आप ये नहीं समझ रहे कि यार बेनिफिट किस तरह हासिल किया जा सकता है, तो आप अच्छे टैक्स प्रिपेयर नहीं बन, टैक्स प्रिपेयर तो कहलाएंगे अच्छे टैक्स प्रिपेयर नहीं होंगे। तो आवाम आप क्लाइंट को ये फायदा देने की बात करती हो कि यार मैं टैक्स प्लानिंग मेरी अच्छी है, मैं आपको यहाँ यहाँ से फायदा, लीगल फायदा, दो नंबर नहीं, दो नंबर की बात नहीं करें, लीगल तरीके से मैं आपको किस तरह फायदा पहुंचा सकता हूँ। सो ये ऑल सही पार्ट ऑफ कोर्स, जब सिनेरियोस डिस्कस करेंगे तो उसमें सब चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह देखें, ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी जो क्लास जी चल रही है आप लोगों से जो सीनियर है, ये सारे सिनेरियोस वहाँ पे उनसे डिस्कस हो रहे हैं, ये सारे सिनेरियोस हैं, दे आर मतलब एक अच्छे लेवल के सिनेरियोस हैं, इसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सही है। तो ये मैं इनको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ कि प्रैक्टिकल चीज है कि किस तरह एंटर करना है, कहाँ एंटर करना है, क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है, क्या चीजें जिससे आपको क्रेडिट्स हैं, बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, अभी मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो शायद एक दो को समझ में आ जाए, बाकी को समझ में नहीं आएंगी। सो मैं बताना चाह रहा था कि स्टेट भी इस रिटर्न के अंदर हम अलोंग विथ फेडरल हम स्टेट में फाइल कर सर सकते हैं, सॉरी जैसे जॉर्जिया के सर जी शहजाद सर, वो जो मैंने जी बात पूछी थी ना सर, उसी का एक सेकंड पार्ट है। अगर जी जी बोलिए वो बहुत अभी कबल वक्त है तो भी मैं बता दें, अगर बाद में करना है सर, वो जो चाहिए होता बताइए है बताइए। PTIN और ईफिन वगैरह, यानी मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया, मुझे क्लाइंट मिल गया, तो जी क्या जी मैं प्रो प्रोडक्ट के ऊपर जाके सिंपल मैं उनका, अगर मैं पैकेज बाय कर लेता हूँ जो मिनिमम भी होता है, जी 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 तो मैं टैक्स जी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ किसी भी US इंडिविजुअल की? देखिए पीटिन, आप पहले सबसे पहले लोगों पीटिन पीटिन इंडिविजुअल को आपको आपको मिल जाएगा, सही है। आपकी आप बोलो सर मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, तो जो फॉरेनर्स हैं उनको भी पीटिन मिल जाता है। रही बात अब पीटिन, पीटिन तो आगे के प्रिपेयर हो आप, सही। अब बात आती फाइल करने की, अब दो जी तरीके होते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ, दो तरीके। एक तो आप क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, मिसाल है आप बोलते हो आई एम अ पीटिन होल्डर, मैं आपको रिटर्न बना के दे दूंगा, आपकी टैक्स सेविंग भी करके दे दूंगा, मतलब आपको एक प्रॉपर अच्छा सा रिटर्न बना के दे दूंगा, आप जो फाइल है ना अपने एसिस्टेंट पे कर लेना, आपके एसिस्टेंट पे फाइल हो जाएगा। क्लाइंट को बोले आप ईफिन ले लो, मैं आपका रिटर्न आपको प्रो कनेक्ट यूज करो, मैं आपका फाइल कर दूंगा। एक तरीका तो ये होता है, सही है, पीटिन पे से काम चल गया। आप बोलो नहीं यार मुझे मैं फॉर्मल बिजनेस करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरा अपना ईफिन हो, तो फिर सर उसके लिए जो है ना आपको एलएलसी फॉर्म करनी पड़ेगी, जिस जो आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। एलएलसी आप फॉर्म करोगे, फिर उस एलएलसी के बेसिस पे उसकी ईआईएन नंबर लेके, जो कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको आप लेके, ये वे सबके लिए मैसेज है। ये सवाल ऐसा है कि जी इसमें बहुत सारे लोग कंसर्न होंगे ना कि पीटीएन इज इट जी जी मतलब इज इट जस्ट पीटीएन, पीटीएन काफी है? हाँ पीटीएन, अगर आप आपको क्लाइंट का एसएसएन यूज करके आप ई फाइल कर सकते हो, क्लाइंट बोलता है हाँ सही है आप मुझे बना के दे तो मैं ई फाइल वाला मैं मामला देख लूंगा, तो सही है काम चल रहा है आपका, आपको एलएलसी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप बोल लो कि नहीं यार आई नीड टू बी, हमें एक प्रेजेंटेशन हो यूएस में, मैंने कल एक बात बताई थी दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा दोबारा एक रिकॉल हो जाएगी कि इट्स ऑलवेज अबाउट योर विजन, सही है ना, आपका विजन क्या है, आप क्या पाथ एडॉप्ट करना चाह रहे हो, सही है। तो अगर आप कहते हो कि ओके जनाब मैं जो है अपनी एलएलसी फॉर्म करूंगा यूएस में, और फिर मैं अपना मैं फिर जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मेरी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मेरी कंपनी होनी चाहिए, तो फिर आप कंपनी फॉर्म करोगे, उससे जब कंपनी का ईआईएन आएगा, आप उसका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है, जैसे एसएसएन होता है ना सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे हमारा एस सी एन आई जी सी नंबर होता है, इस तरह वहाँ पे जी एसएसएन होता है अमाम का, और कंपनी का जो है ईफिन होता है, जैसे हमारे यहाँ कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सही है। तो ईफिन आपका ईफिन कहला सॉरी ईआईएन कहलाता है,
एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप उसकी बेसिस पे ईफिन ले सकते हो आगे जाके। तो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ वांट यू वर्क, हाउ यू वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री। पीटिंग से भी काम चल जाएगा, क्यों, जिसका ई फाइल करने जाओगे उसका एसएसएन नंबर से काम चल जाएगा। और आप बोलते हो नहीं यार, मैं तो प्रॉपर काम करना चाह रहा हूँ। ग्रेजुअली आप ग्रो करते हो, बाद में आप कहते हो मैं का एलएलसी फॉर्म कर लेता हूँ, आई नो हाउ टू फॉर्म एन एलएलसी, मैं एलएलसी फॉर्म कर लेता हूँ और मैं अपना ईआईएन, जब मेरा आईआरएस मुझे ईआईएन, एलएलसी जो फॉर्म करोगे आप वो स्टेट वाइज करोगे, वो स्टेट लेवल पे होती है, पर ईआईएन जो है वो आप आईआरएस से लेते हो। आईआरएस क्या है मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा, सही है? तो उस हवाले से चलते हैं, अब आगे स्लाइड्स पे चल जाते हैं, सही है? होप यहाँ तक आपको थोड़ा विजन मिल गया होगा, राइट? सही हाँ शहजाद सर, साहब, इसको हम थैंक दोबारा यू भी करें सर, इसको हम दोबारा भी करेंगे डिस्कस कि अगर ई फिल लेना है तो कैसे लेंगे हम। सर। आप ऑब्वियसली बातों बताया जाएगा आपको, वो तो आपका कोर्स का पार्ट है ना, तो ये से तो मैं जनरल बात कर दी थोड़ी सी, ताकि लोगों के जहन क्लियर हो जाए कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं सर ई फिल तो मिलेगा ही नहीं हमें, हमारे पास तो एसएसएन है नहीं। बल्कि डिबेट ये भी चल सकती है कि पीटीएन भी नहीं मिल सकता, तो जो ये क्लेम करते हैं कि पीटीएन नहीं मिल सकता, तो आई एम सॉरी ऐसा है नहीं, फॉरनर्स को पीटीएन मिल जाता है, उसका एक प्रोसेस है, वो हम देखेंगे, सब चीजें करेंगे इंशाल्लाह। सही है जी, अब आगे क्लास पे फोकस ठीक करते है हैं। सर। सर जी एक अबीबुल्ला क्वेश्चन साहब, पूछना आपने था अनम्यूट किया हुआ है, क्या प्लीज पूछ लें सर, आगे क्लास को चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी जी नंबर किन को अलॉट होता है, या कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता भाई, वहां का एक यूएस सिटीजन होगा, उसको वो उसको मिल जाएगा यूएस सिटीजन, सही है? और वहां पे आप अगर H1B वीजा पे भी हैं तो आपको ग्रीन कार्ड होल्डर है, इसको भी मिल जाते हैं। तो और बाकी H1B वीजा पे भी आपको फिर आगे जाके मिल सकता है, उसके प्रोसेस है, राइट? चलें जी, अब आगे चलते हैं। आगे अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी, स्टेट, मैंने कहा ये रिटर्न में ही कवर हो जाता है, तो स्टेट के लिए कोई अलग से आपको रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। ये मल्टी डायमेंशनल, समझे क्या है, इसे मल्टीपर्पज रिटर्न होते हैं, बड़े एडवांस होता है ये, प्रो कनेक्ट भी एडवांस, और भी सॉफ्टवेयर है, पर मतलब प्रो कनेक्ट इज वन ऑफ द फेमस क्लाउड बेस्ड अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो जॉर्जिया मैंने जैसे स्टेट ऐड किया ना, तो जब मेरा रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा ना, मिसाल के तौर पर मेरा रिटर्न का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, तो मैं दोनों को एक साथ फाइल कर सकता हूँ, ई फाइल दोनों को कर सकता हूँ, सही है जनाब? तो स्टेट के लिए मकसद बताने के लिए, तो कंफ्यूजन रहती है सर स्टेट का रिटर्न किस तरह फाइल होगा, तो वो मैं मकसद बताने का ये कि वो एक साथ एक एक ही प्लेटफॉर्म पे फाइल हो जाता है। चलें जी आगे चलते हैं। सो फेडरल में क्या आ गया जी, फेडरल इनकम टैक्स आ गया, पेरोल टैक्स भी फेडरल लेवल पे हो गए, इसमें आपका इंडिविजुअल, हमने जैसे डिस्कस किया इंडिविजुअल एक टैक्स होता है, बाकी बिजनेस टैक्स होते हैं, हमारा स्टेट टैक्स भी आ जाएगा, हमारा सेल्स टैक्स भी कवर होगा, राइट? सेल्स टैक्स किस तरह करना है, क्या प्रोसेस है उसका, ये भी हम कवर करेंगे। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं टैक्स फॉर्म की। सर ये टैक्स फॉर्म्स में क्या आ गया, जो मैं अभी सवाल भी कर रहा था टैक्स फॉर्म के हवाले से, तो एक होता है इंडिविजुअल, जैसे मुझे अपना पर्सनल रिटर्न फाइल करना है, उसको इंडिविजुअल टैक्सेशन की कैटेगरी में, इंडिविजुअल रिटर्न भी कह सकते हैं, पर्सनल रिटर्न भी कहते हैं। तो जो और उसके लिए जो फॉर्म यूज होता है, जिसपे हम रिपोर्ट करते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, उसका फॉर्म कहलाता है फॉर्म 1040। फॉर्म क्या कहलाता है, फॉर्म 1040। ये मैं इसको आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि सर ये है क्या चीज, क्या बला क्या है, तो बताएं तो सही इसके बारे में। आप सिंपल आए गूगल भी करेंगे ना, ये आपको मिल जाएगा। आयर्स की वेबसाइट मैं बताऊंगा, आयर्स क्या है, उसकी वेबसाइट्स पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और कितना इम्पोर्टेंट है आईआरएस टैक्स के हवाले से। ये देखें, ये अभी 2023 जो अभी साल खत्म होगा ना, 2023 का 2024 आएगा, तो उसमें ये 2023 की टैक्स की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो ये फॉर्म का पैटर्न है, इस तरह का दिखता है, आप इसको ऑनलाइन आराम से जाके देख सकते हैं, अभी भी आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, ये एक पैटर्न इसका इस तरह होता है। पर इसके पीछे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये एक जनरल 1040 का स्ट्रक्चर मैं दिखाना है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये फॉर्म दिखता किस तरह का है। और बाकी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, और बैक एंड पे और भी फॉर्म्स होते हैं, जो हम जब सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने पाएंगे तो इंशाल्लाह विल डिस्कवर, सही है जी? अच्छा जी, ये हो गया, अब आप 1040 की बात हो गई, 1040 मैंने दिखा भी दिया,
इसी तरह फॉर्म 1065 होता है, ये बिजनेस ही कैटेगरी में आता है। पर्सनल टैक्स की कैटेगरी में मेन फॉर्म है फॉर्म 1040, इसके अलावा भी फॉर्म्स होते हैं, 1041 NR भी होता है, 1040 NR भी होता है, 1040 SR भी होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास में इंशाल्लाह। जी हसन रजा प्लीज। अच्छा, सलाम मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे पाकिस्तान में फाइलिंग करते हैं रिटर्न 114 की, जी उसके तीन पार्ट जी होते हैं, इनकम, वेल्थ और रिकंसिलिएशन। तो ये जो फॉर्म आपने बताया 1040, 1065, इसके अंदर भी वेल्थ क्या होगा और रिकंसिलिएशन भी होगी इसके अंदर? नहीं ये चीज नहीं है, इट्स डिफरेंट। देखिए उसको कंपेयर पाकिस्तानी टैक्स से, देखिए थोड़ा आसानी हो जाएगी कि आप पाकिस्तानी टैक्स से कंपेयर ना करें, बेहतर है कि दोनों डिफरेंट अच्छा, एनिमल्स है ना, तो यानी आप उसको जब कहना आप करेंगे ना, सिर्फ जब सिर्फ जी इनकम को हमने करना है इन फॉर्म्स के अंदर, सिर्फ इनकम 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 आती है उसमें, उसकी आती है चीजें, बट वो डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट है ना, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे ना सर, तो उसमें सारी को। चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो थोड़ा अभी कंफ्यूज ना हो, अभी इसको यानी समझे वेल्थ मैं कहना को क्या चाह रहा हूँ। कंसीडर नहीं करना इधर, वेल्थ वगैरह जैसे पाकिस्तान में होते हैं, वेल्थ फाइलिंग होती है। नहीं 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 इधर 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 प्रॉपर्टी आप शो करते हैं, ये मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये चीज है, वो आप शो करते हैं, पर पैटर्न इज बिट डिफरेंट देन पाकिस्तानी टैक्स, राइट। ठीक, ओके। बाकी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू कि भाई ये किस तरह रिपोर्ट हो रहा है, क्या चल रहा है। अब मैं अगर इस वक्त वो समझाऊंगा तो वो स्टार्टिंग क्लास का टॉपिक है नहीं, वो एडवांस हो जाएगा, फिर और भी लोग बेचारे बैठे हुए दे ऑल विल गेट डिस्टर्ब, किया क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। सो क्वेश्चन जो है ना रेलिवेंट जो इस, हाँ 1040 सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएं अभी क्या मतलब आपने बोला, वो सवाल कर हो सकता है। 1065 समझा दें सर, फॉर्म दिखा दें, फॉर्म सर अभी दिखा देंगे आपको सर। 1120 तो बिजनेस, अगर आपने कोई LLC मतलब आप समझे आपका बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप है, इसको इतना सिंपल रखें, आप अगर पार्टनरशिप पे आपका बिजनेस चल रहा है, पार्टनर है उसके अंदर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, उसके रेवेन्यू क्या था, उसके एक्सपेंसेस क्या थे, तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी हुई वो टेन फॉर्म उसके लिए इस्तेमाल होगा। 1065 सर ये जरा दिखा दें, आपने 1040 दिखा दिया, आपकी मेहरबानी, आप सर ये भी दिखा दें। सिंपल है, IRS लिखेंगे आप 1065 फॉर्म, ये जनाब आगे आ जाएगा अभी, हम बस सिंपल ऑन योर क्लिक, ये आ गया 1065, ये रस का पैटर्न। सही जनाब, ये 1065 का पैटर्न इस तरह का दिखता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो जब हम रिटर्न फिल आउट करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, इसका पैटर्न है 1065। सही, अच्छा सर ये समझ आपने दिखा दिया, अब आगे चलें। अच्छा एक होती है सी कॉर्प की टर्म यूज की जाती है US में, सी कॉर्प बेसिकली वो कंपनी है, वो कॉरपोरेशन है जिसपे जो है ना आपके कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 21%। सही है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 21%, तो बस फिलहाल अभी इतना समझें, सी कॉर्प एक कैटेगरी है, एक कंपनी की एक कॉर्पोरेशन की कैटेगरी है, तो ये जिस जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, और आजकल जो कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा है करंट वो 21% है सी कॉर्प के लिए, ये इतना फिलहाल समझना काफी है। अभी हम जब इसको बिजनेस टैक्सेशन पे जाएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाउ थिंग्स वर्क। सही है, ये मुझे पता है नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, वो सवाल करते हैं, वो पर एक क्लास अभी बिगनिंग क्लास में ही सब चीजें कवर नहीं हो सकती ना, कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो सबको देखना है और हम एक रिदम से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा एक कॉर्पोरेशन होती, आपको याद होना चाहिए कि 1040 जो है वो पर्सनल के लिए यूज होता है, इंडिविजुअल के लिए यूज होता है। अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस है, उसका रिटर्न जो होगा वो फॉर्म 1065 पे फाइल होगा, इस तरह सी कॉर्प का सर ने बताया था। अच्छा यार इसमें कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 21%, उसको रिपोर्ट जब करते हैं, उसको रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 1120 होता है। अच्छा जी एस कॉर्प, एक एक और, अब ये मेजर फॉर्म्स हैं, ये चार चीजें मेजोरिटी ज्यादातर रिटर्न्स में इस्तेमाल होती हैं। तो ये टर्म्स, ये फॉर्म्स, ये ज्यादातर पोर्शन जो है ये सी के रिटर्न ज्यादा बनते हैं, तो इंडिविजुअल तो बनता ही बनता है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर उसके भी बनते हैं, सी कॉर्प है उसके बनते हैं। एस कॉर्प जो है उसका फॉर्म कहलाता है 1120S। अब ये नहीं कि सी कॉर्प है तो उसका 1120C कहलाएगा, नहीं, सी कॉर्प का जो फॉर्म है वो सिंपली 1120 कहलाएगा, और फॉर्म 1120S जो एस कॉर्प होता है, ये भी एक टाइप की कॉर्पोरेशन है, तो ये दो टाइप चलते हैं, सी कॉर्प एस कॉर्प, और अगर पार्टनरशिप है तो 1065। इन सी कॉर्प और एस कॉर्प में शेयर होल्डर्स होते हैं, सही, और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, सिंपल। फॉर्म 1120S यूज होता है, सही, इसके क्या एडवांटेज, क्यों सर ये डिफरेंस क्यों है,
ये जब हम टॉपिक पे आएंगे हम डिस्कवर करेंगे, जब बिजनेस टैक्सेशन को डिस्कस करने पाएंगे हम अपने टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल टैक्सेशन से, फॉर्म 1040 से। सही है, हमारी बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होगी। सो फॉर्म 1120S जो है वो हो गया एस कॉर्प, सही है, और फॉर्म 1120 हो गया सी कॉर्प के लिए। सी कॉर्प का रिटर्न फाइल करना है, तो सर जब भी बोलेंगे सी कॉर्प का रिटर्न किस पे फाइल करेंगे, आपके जहन में होना चाहिए 1120। मैं पूछूंगा जी पार्टनरशिप बिजनेस है उसका रिटर्न किस पे होगा फाइल, आप बोलेंगे फॉर्म 1065। और जब एस कॉर्प की बात होगी जी इसका रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होगा, आपको मालूम होना चाहिए 1120S। यहां तक किसी का सवाल इन टर्म्स के हवाले से? आउट ऑफ टॉपिक मैं जवाब नहीं दूंगा अभी, सही है, आई विल बी सॉरी, मैं सॉरी कर दूंगा क्योंकि वो प्री मेच्योर सवाल होंगे आप लोगों के अभी, और फायदा अभी जवाब देने का कुछ होना भी नहीं होगा क्योंकि फिर जब टॉपिक स्टार्ट होगा फिर सवाल तो उसी के हवाले से होंगे। सो इस हद तक मेरे क्लास में थोड़ा ये रहता है कि अगर सवाल है तो हाथ हैंड रेज करना है, और अगर आप यू आर सेटिस्फाइड तो आप थम्स अप करते हो। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप थम्स अप कर दें, और आपको ये अगर क्लियर नहीं है इस टॉपिक से जो अभी डिस्कस किया है हैंड रेज कर दें। जी जनाब, सो मेजोरिटी थम्स अप होंगे, माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स तो 59 है तो मेजोरिटी थम्स अप होंगे, तो जबरदस्त जी। एक सवाल है जी आसिम इरशाद साहब, फरमाइए प्लीज। चलो नहीं है, थैंक यू। सो मतलब ये कि मेजर रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब ये कि आप माशाल्लाह ये आपको चीज क्लियर हो गई, चलो गुड परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब सर ये तो आपने बता दिया फॉर्म कि IRS IRS कर रहे हैं, सर ये है क्या चीज, मतलब क्या है क्या, थोड़ा बताएं ना इसके बारे में। बिल्कुल बताएंगे क्योंकि IRS को जानना भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बड़ी रेलिवेंट चीज है। सो IRS ये मैंने कल बताया है, कल के लिए आपको दोबारा एक रिपीट हो जाएगा तो अच्छी बात है, पुरानों को दोबारा रिवाइज हो जाएगा और नए जो हैं उनको सवाल जो उनके होंगे उनको समझना होगा, समझ भी लेंगे। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उनमें ये बेसिक चीजें हम उससे बाहर चले जाएं, सही है ना, तो दैट्स वाई थोड़ा बेयर कर लें प्लीज। अच्छा IRS कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है, IRS स्टैंड फॉर IRS, आयरिस नहीं है, मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो IRS IRS हम लोग करते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस है कि आप ये IRS आराम से बोलेंगे तो IRS, तो IRS IRS कर लेते हैं हम। ये IRS नहीं है जो हमारे यहाँ के लोकल सॉफ्टवेयर जो चलता है वो नहीं है, तो IRS इज अ बॉडी, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ये बॉडी है, राइट। क्यों, क्या है, फाउंड हुई थी 1862 में, सही है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में बताया भाई। बॉडी कौन सी है, यूएस की फेडरल एजेंसी है ये किसके तहत काम करती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, IRS ये रिप्रेजेंट करती है यूएस फेडरल को, फेडरल फेडरल गवर्नमेंट, यूएस की फेडरल गवर्नमेंट। क्या है सर, इसका काम जो है वो है टैक्स कलेक्ट, सिंपल IRS का काम का है। IRS है क्या सर, ये यूएस की फेडरल एजेंसी है, सही है। IRS भाई स्टैंड क्या, स्टैंड फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, गुड। अच्छा सर ये बताएं इसका काम क्या है, बॉडी क्या क्या काम क्या करती है ये एजेंसी जनाब। इसका काम है टैक्सेस, कौन से टैक्सेस कलेक्ट करना है, स्टेट के नहीं, लोकल के नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करना, और उसके जो भी लॉ बनते हैं जो भी कानून टैक्स के हवाले से बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना, इसको इन्फोर्स करना, मतलब इसको लागू करना, सही है, और मेक श्योर करना कि लॉ फॉलो कर रहे हैं और टाइमली मैनर में टैक्स दे रहे हैं। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑडिट भी करती है बॉडी, सही है, कि टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे करते हैं उनके, ऐसा नहीं कि आपने फाइल किया उससे बोल दो ओके, हाँ हमारी छापे नहीं मारते, उनका एक तरीकेकार है ऑडिट करने का, वो कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, अमूमन लेटर के थ्रू भी आती है कम्युनिकेशन ज्यादातर, लेटर आप कोई मसला होगा क्वेरी होगी तो आपको लेटर भेजेंगे। अच्छा जनाब ये, और ये ऑडिट्स भी करती है चीजों का, जाहिर सी बात है इनका, आपने रिटर्न फाइल किया है तो इनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं क्योंकि IRS इतना ऑर्गेनाइज है कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जब हम प्रैक्टिकली इन फॉर्म्स को करेंगे करेंगे तो ये सारे आपको पता चलेगा यार IRS का पैटर्न क्या चल रहा है, सही है, ये IRS के हर डॉक्यूमेंट का एक पैटर्न है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको अपनी इनकम, आपकी अगर कोई आप तनख्वाह सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है जो कि W-2 कहलाता है, वो हम देखेंगे आगे, सही है। ये मैं मिसालें दिखा भी देता हूँ एक मिसाल बताने के लिए, W-2 दिखता कैसे, हाँ
ये W2 है, ये W2 फॉर्म है, ये IRS का क्रिएट किया हुआ है। तो आपकी जो जो भी साल में आपने कमाया ना सैलरी में, उस ये उस पर रिपोर्ट होता है। फिर ये जो ये आपका एम्प्लॉय आपको आप जिसके लिए काम करें ना, आपका एम्प्लॉयर, ये वो आपको देगा ये W2। मिसाल है जो भी US में है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है उसकी, तो इस तरह का उसको साल में, ये 2023 का है, इसे 2023 है, तो सैंपल है, 2023 खत्म हो रहा है, ये आपको फॉर्म मिल जाएगा ईयर एंड पे, या ताकि आप अपने इस इनकम को इसके अंदर, इस 1040 के अंदर फाइल कर सकें। वो किस तरह करेंगे, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब बात करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको एक तो IRS बता रहा था, IRS बॉडी है, फेडरल बॉडी है, उसका काम है भाई टैक्स लॉस को एनफोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, और टैक्सेस कलेक्ट करना, और फिर इनका रिटर्न्स का ऑडिट करना कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हो आया सही है या गलत कर रहे हो, कुछ आप छुपा तो नहीं रहे। तो बड़ा इनका चेक एंड बैलेंस है, बड़ा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, और बड़ा ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस इनका काफी स्ट्रांग है IRS का। जी तैयब साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। W2 की सब टाइप्स भी होती हैं? नहीं, सब टाइप्स नहीं होती, W2 एक डॉक्यूमेंट है खाली, उसका काम है आपकी जो वेजेस हैं या सैलरीज हैं जो आपने पूरे साल में बनाई हैं, उसका उसको रिपोर्ट करना होता है। वो मिलता है इसी वजह आपको कि आप वो नंबर्स जो हैं अपने जो रिटर्न है 1040 है उसके अंदर डाल के रिपोर्ट कर सके। जी कामरान साहब, फॉर एग्जाम्पल, को मल्टीपल बंद एक बंदा मल्टीपल जगह पे बिजनेस करता है, तो हाँ, वो हर का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का W2 W2 सेम होगा, निकले। वो मतलब अलग 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 होंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा। मकसद जी ये ठीक आप ठीक ये पूछें कि हाँ मल्टीपल मल्टीपल से मुराद ये, आप दो जगह जॉब करें तो आपको, और एम्प्लॉई है वहाँ के, आपकी तरतीब ऐसी कि आप दो जगह जॉब कर रहे हैं, आपकी सेटिंग इस तरह की है, तो आपको दो जगह के W2 मिलेंगे। पर पैटर्न फिक्स होगा, किसी का अपना बनाया हुआ नहीं है, प्रॉपर IRS के पैटर्न पे ये होगा, ये पैटर्न सेम यही होगा, चाहे आपके दो हो, चाहे आपके तीन हो, चाहे आपका एक हो, पैटर्न यही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको पैटर्न के अंदर। जी कामरान रफीक साहब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम वाहतरम मुझे पूछना था कि ये इनकी डेट्स कौन सी होती है, जनवरी सर। साल अभी अभी भर? जी जी अभी हम डिस्कस करेंगे सर, आप बेफिक्र रहें इस बारे में। सही कामरान साहब, अभी मैं आगे उसी पे आ रहा हूँ, सही है, डेट्स पे भी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जी हसन, आप हसन रजा पूछना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, इसमें ये था कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे तो जी उनकी जी जो जनाब, सैलरी कंपनी देती है तो उस पर जी वो जी टैक्स विधायल नहीं करेगी इस पर? बिल्कुल करेंगे सर। अच्छा, तो W2 जो उसको इश्यू करेंगे एम्प्लॉय को, उसमें जितना इनकम, जितनी सैलरी दी होगी प्लस जितना टैक्स विथहेल्ड किया होगा, वो इश्यू होगा बेसिकली। सैलरी आपने पूरे साल में कितनी कमाई, आपका ये रहा फेडरल इनकम विद हेल्थ W2 में, ये इधर आएगा आपकी सोशल सिक्योरिटी वेजेस, अमूमन सेम ही होती है, उस पे जो आपका विद हेल्थ हो रहा है सोशल सिक्योरिटी की मद में जो टैक्स कट रहा है वो भी आएगा, और मेडिकेयर के जो वहाँ पे होता है मेडिकेयर टैक्स भी विदहेल्ड किया जाता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी अच्छा, देती है उसका भी विदहेल्ड किया जाता है, सारी चीजें आएंगी। यानी फर्दर स्लैब अगर वो आप, जो स्लैब वो जो कल आपने बताया था है ना, बिल्कुल उसके जनाब मुताबिक जो। अच्छा, बिल्कुल, दूसरा एक ब्रैकेट एक एक बेसिकली जो बेसिकली US में स्लैब नहीं कहलाता, US में टैक्स ब्रैकेट कहलाता है। स्लैब का ठीक वर्ड बेटर शायद बेटर पाकिस्तान में हम लोग यूज करते हैं, और या UK जी। में भी स्लैब यूज होता है, बट US में टैक्स ब्रैकेट कहलाते हैं। जी अच्छा, जनाब, इसी इसी तरीके से वेंडर्स होते हैं जो कंपनी के, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उसका भी विधायल करेगी कंपनी, और उसका फार्म कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा विधायल सर? नहीं करती, वो फॉर्म 1099 होता है, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वो यानी 1099 के हवाले अच्छा, से। फॉर्म 1099 इशू कर देती है, उसके बाद जी जी विधायल जी नहीं बिल्कुल। करेगी। ठीक, यानी कंट्रैक्टर खुद पे करेगा अपना। जी हसन साहब, क्या कह रहे थे आप, लास्ट क्या पूछा मैं आपने? कह रहा था कंट्रैक्टर अपना टैक्स खुद पे करेगा, विधायल नहीं करेगी कंपनी जी उसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मैं डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस के ठीक दौरान, और आपको पता आइडिया भी हो जाएगा हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सही है जी, चलें अभी क्वेश्चंस को रुकते हैं। होप शहजाद साहब आपने पूछ लिया था तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। तला आप पूछ रहे हैं कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो रिलेवेंट टू द टॉपिक तो पूछ रहे हैं आप। जी सलाम अलैकुम जी सर। मैंने आपसे अस्सलाम वालेकुम, पूछना था, सिंस इट्स इंट्रोडक्शन टॉपिक चल रहा है, अभी हम आगे नहीं गए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते हुए US टैक्सेशन सीख लेते हैं, जी और हमें जॉब कहाँ मिल सकती है, और दूसरा ये कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो बैक ऑफिस है पाकिस्तान में US का,
जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं या ACCA ACA वाले मांगते हैं। तो हम ये कोर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं इसमें? देखिए हर जगह ACCA, और मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ BPO इंडस्ट्री से ही मेरी वाबस्तगी है, तो हर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ACCA नहीं है, सारे लोग ACCA नहीं हो सकते। तो प्रायोरिटी पे होता है ये, फिर पोजीशन पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन है, कोई टैक्स के एडवांस के लिए चाहिए तो वो कहते हैं यार थोड़ा क्वालिफाइड बंदा हो तो एडवांटेज हो जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अगर प्रो कनेक्ट पे और आपको टैक्स यूएस टैक्सेशन की नॉलेज है तो वो आपको एडवांटेज दे जाएगा, क्योंकि BPO इंडस्ट्री माशाल्लाह ग्रो कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी BPO इंडस्ट्री में मैं खुद इंटरव्यूज भी लेता हूँ ना अपनी कंपनी के लिए, तो मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझे राइट रिसोर्स नहीं मिल पाती। BPO इंडस्ट्री का एक मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि US टाइमिंग्स से फॉलो करते हैं तो वो रात की टाइमिंग्स होती हैं, तो वो पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, पैकेज बेहतर होता है, लोकल लोकल जो एम्प्लॉयर पैकेज दे रहा था उससे कदरे बेहतर पैकेज होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ACCA, मैंने खुद इतने ऐसे लोग हायर किए जो कि क्वालिफाइड नहीं है, बट उनको अगर काम आते हैं तो हम इनको प्रेफर करते हैं, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग है काम की कि किस तरह US टैक्सेशन वर्क करता है तो एडिड वैल्यू हो जाती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ क्वालिफिकेशन। आपको हाँ फाइनेंशियल का थोड़ा एडवांटेज अगर आया आपको तो चलने को, तो सिंपल BCOM भी मैंने मार्केट में देखे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, BCOM बैकग्राउंड है और काम समझ में आ रहा है, काम अच्छा, अच्छे पेमेंट ले रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। जी फहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, ये प्रोकनेट के जरिए हम ये सारे टैक्सेस फाइल कर सकते हैं इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स? सेल टैक्स, सर सेल टैक्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सेल्स टैक्स जो है आप स्टेट की वेबसाइट पे ही जाके ही करेंगे, उसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो अच्छा प्रो जी, जो मैंने है, ये हाँ जी, तो जो पेरोल टैक्सेस होते हैं उसमें भी मुख्तलिफ पोर्टल्स यूज होते हैं, वो भी इधर से नहीं होगा, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे पेरोल के जाके लिए, कर? पेरोल टैक्सेस तो आपके जो आप क्विक बुक्स, जैसे क्विक बुक्स की एग्जांपल ले रहे हैं, क्विक बुक्स ऑनलाइन हो रहा है तो पेरोल टैक्सेस तो उसके अंदर ऑप्शन होता है, वहां से ही पे कर देते हैं फेडरल पेरोल टैक्सेस हो ना, तो अलग से जाके कोई देना नहीं पड़ता, तो वो आपका सही है, ठीक सॉफ्टवेयर है। ही काम कर रहा होता है आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा रोबस्ट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, तो आपका सारा काम आपके लिए जिंदगी आसान कर देते हैं। हमारे में तो अभी भी बहुत सारी मैनुअल वर्किंग चलती है, वहां पे नहीं है इस तरह के मामला। सही है जनाब, जी चलें, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब टॉपिक की तरफ आते हैं, अब मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा अब थोड़े बाद में, टॉपिक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, चले परफेक्ट, सॉरी वो एक थोड़ा मसला हो गया था। सर इज इट क्लियर? मुझे थोड़ा 1 मिनट, मुझे प्लीज 1 मिनट दिए, मैं थोड़ा माइक्रोफोन का सेट कर लूँ, थोड़ा इशू आ गया। ओके। सो लुक इनटू इट दिस। अच्छा, आप मुझे कंफर्म करें आवाज ओके है, आप लोग क्लियर हैं, लाउड एंड क्लियर? चले ओके यस सर, क्लियर है परफेक्ट, सर, चले पहले से परफेक्ट, बिल्कुल थैंक आ यू जी, रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको W2 का एक फॉर्मेट दिखा दिया। मकसद दिखाने का ये कि देखिए इस तरह के फॉर्मेट होंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होंगे, तो हम जब आगे की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑल थिंग्स विल बी इंशाल्लाह क्लियर।
थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अभी चल रही है हमारी कि चीजें हैं क्या। तो मैंने आपको आयर्स के बारे में बता दिया, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, इसका काम क्या है, कब वजूद में आई, ये सारे मामला आते हैं। तो यहां तक किसी को कोई मसला रेलेवेंट टू द टॉपिक प्लीज, इसके अलावा नहीं, रेलेवेंट टू द टॉपिक कोई मसला नहीं है तो थम्स अप जो हमारी क्लास का डेकोरम रहेगा। और अगर क्वेश्चंस हैं जब, अब मैं खुद पूछ रहा हूँ कि किसी को सवाल यहाँ तक हैं तो पूछ लें, रेलेवेंट टू द टॉपिक, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होगा। कि सर आईएएस समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चले गुड, एलिमेंट टू द टॉपिक तो ठीक जा रहा है, सर सॉरी, एलिमेंट टू द टॉपिक ठीक जा रहा है हमारा फिलहाल। चले परफेक्ट, बस थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये फेडरल इनकम टैक्स वर्क किस तरह करता है, तो कोई अनोखी चीज़ नहीं है, बट हम जाहिर सी बात है इट्स आर टॉपिक, तो हम बस जनरल इसको डिस्कस करेंगे। यूएस फेडरल टैक्स जो यूएस में क्या काम करता है, तो यूएस फेडरल टैक्स सही है, हमें आपके पे इम्पोज होता है, आप पे लेवाइड होता है, किस पे आप आईएएस उसको इम्पोज करता है, क्योंकि आईएएस जो है वो फेडरल एजेंसी है, काम उसका ही है कलेक्ट करना और रूल्स को इम्पोज करना, सही है। तो आप किस पे करता है, आपकी इंडिविजुअल अर्निंग्स होती हैं, कॉर्पोरेशंस की जो अर्निंग्स होती हैं, एनुअल अर्निंग्स, और भी डिफरेंट ट्रस्ट आते हैं, लीगल एंटिटीज होती हैं जिनकी अर्निंग्स होती हैं, उस पे जो है टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्ट भी करता है, इम्पोज भी करता है, सही। फेडरल टैक्स इज अप्लाई टू द टू ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्निंग्स दैट मेक अप टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम होती है ना, वो हम सीखेंगे आगे जब 1040 करेंगे, तो टैक्सेबल इनकम जो है ना वो आपकी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वेजेस भी आती हैं, सैलरीज आते हैं आपके उसके अंदर, कमीशंस, बोनसेस, टिप्स, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रैक्टिकल के सिनेरियो बेस्ड चलेंगे तो आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कि मुझे जवाब भी मिला, कि जो है आपके यूएस फेडरल टैक्स के जो रेट है ना, वो 10% से लेके 37% तक होते हैं, मिनिमम मिनिमम 10% है, सही है, और मैक्सिमम जो है वो 37% है, सही है। तो अच्छा, उसको आगे देख लेते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, थैंक यू नौमान साहब। अच्छा, मैं अब सवाल करूंगा तो फिर प्लीज अनम्यूट करना, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये प्रीवियस क्लास में मैंने एक दिखाया था, ये एक उसका है, इसका ब्रैकेट है, हमारे यहाँ पे लोकली टैक्स स्लैब भी कहा जाता है, बट ये जो है ब्रैकेट्स, तो वहां पे जो टर्म यूज होती है, दैट्स दैट्स कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट्स, राइट। टैक्स ब्रैकेट्स क्या है, सो टर्म यूज की जाती हैं। अब ये नहीं कि सब वन सोल्यूशन फॉर ऑल नहीं है ना, टर्म्स मैंने लास्ट बताया, ये कौन बताएगा मुझे टर्म्स, चले कोई रिकॉल भी हो जाएगा आप लोगों को, इस ये जब मैंने बताया था कि यार ये ब्रैकेट्स में जो जो फिगर्स चेंज हो रही हैं, क्यों चेंज हो रही हैं, कौन बताएगा जी जनाब, कौन बताएगा मैंने टर्म्स यूज की थी जी। मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज गो अहेड, जी सर, मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज। सर ये अकॉर्डिंग टू स्टेटस वाइज ना, कोई सिंगल फाइलिंग कर रहा है, कोई डबल मैरिड से कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी चेंज होती रहती है ये। चलें चलें, थैंक यू जी। जी हबीबुल्ला साहब प्लीज। जी सर, ऐसे ही है, कोई सिंगल है वो अपनी सिंगल कार है, कोई मैरिड है तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ मिलके वो ज्वाइंटली कर लेगा, ठीक है, उसे हम मैरिड कपल फाइलिंग कहेंगे, ठीक है। अगर वो मैरिड है लेकिन अपनी फैमिली के साथ, मिसेज के साथ वो नहीं करना चाह रहे, या मिसेज नहीं करना चाह रही, तो वो सेपरेट करेंगे फाइलिंग अपनी। फिर इसी तरह हाउस होल्ड जो है, वो घर का कोई सरबरा है वो अपनी अगर वो करता है तो वो उसका इकलौता होगा। चलें परफेक्ट, थैंक यू जी। जी नौमान साहब प्लीज। जी नौमान साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है सर, अनम्यूट कर लें। सॉरी सॉरी, अब आवाज आ रही मेरी? जी 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 परफेक्ट, जी अच्छा सर, ये जो बेसिकली जो ब्रैकेट है, जो 10 to 37% है, बेसिकली ये इसको ना 4 मॉड्यूल्स में, इसको 4 ब्रैकेट में इनको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर एक सिंगल पर्सन है जो कि अनमैरिड है, एक फैमिली कपल है, वो ज्वाइनली भी कर सकते हैं, वो चाहे सेपरेटली भी कर सकते हैं, लेकिन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्वाइनली भी करेंगे तो सेम ही पड़ेगा, और सेपरेटली भी करेंगे तो वो अगर डिवाइड किया जाए तो वो वहाँ पे ही आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत बेनिफिट जो मिलेगा वो हाउस होल्ड को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा बाकी कंपेरिजन में, जो कि घर का सगड़ा होता है। जैसे हमारे वाले साहब है घर में, जो सारे घर वालों की कफालत कर रहे होते हैं, जो जिनके अंदर पूरा घर होता है,
उसको फेवर थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर बाकी के देखा जाए तो चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आ, टैक्स में। आ, और कौन कहेगा जवाब जिन्होंने नहीं दिए जो देना चाहते हैं? हबीबुल्ला साहब आपका हो गया ना, हैंड वो कर दें जी। अदनान यूसुफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने एक तो इसमें जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बेसिकली एक पिछला जो बैच था ना उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम मैंने गुजारा है, बल्कि काफी गुड, टाइम खुशी गुजारा है। वैसे मुझे कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जी। इसमें मुझे एक छोटी सी, एक तो मुझे जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले मैं शेयर कर देता हूँ। जी 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 ये जो प्लीज। टैक्स ब्रैकेट्स हैं, अगर वो सिंगल फाइलर है, फॉर एग्जाम्पल अदनान यूसुफ है, उसकी अमाउंट जो एनुअल बेसिस पे है, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे मुझे मतलब 2022 2023 से तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ईयरली बेसिस पे उसकी जो इनकम है यस वो 10,275 रुपये है अदनान यूसुफ की, जी जी तो उसके ऊपर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा उसका। अभी टेन जी परसेंट जो है वो 10,275 का होगा या किस अमाउंट का होगा, नंबर वन। जीरो से ले जी, जीरो से लेके 10,000, ये 22 का है, 23 में अब चेंज हो जाएगा स्लैब, सही है ना? ट्वेंटी ट्वेंटी जी थ्री के ठीक जो है, टैक्स ट्वेंटी पे फोर जी 2024 में चेंज हो जाएगा, ओके फाइन, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है हाँ, कि ये जीरो से लेके, टेन हाँ जीरो से, जी जनाब, जीरो से लेके 10,000 2,275 है, जी मतलब मैं लेस क्या है, जीरो है, सही जी है। ठीक, मतलब कि और मेरी 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 जो है ना मैक्सिमम रेंज जो है वो इनकम जो है वो 10,275 या इससे कम होगी, तो उस पर मेरा 10% ही लगेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन जी हाँ ये है कि जी, 10% मेरा जो है वो 10,000 पे लगेगा ना, 10,275 पे। अगर आपका ब्रैकेट फॉल इस पे करता है ना, नहीं आपका टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लगना है, अगर वो इस कैटेगरी के अंदर जीरो से लेके 10,275 पे फॉल करता है, तो फिर 10% के आप स्लैब में आ जाओगे, राइट? मैं 10% कह रहा हूं कि 10% जो है वो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा ना। जी, टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल बिल्कुल इनकम आपकी बिल्कुल होगी। ऐसे ही है। ओके ओके, ठीक है। इसी तरह मेरी दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हमारा मैं अपनी वाइफ के साथ अगर मेरी इनकम बन रही है, मेरी वाइफ भी अर्निंग कर रही है, या मैं जी अकेला ही सिर्फ 20,550 कमा रहा हूँ, तो मैं अपनी वाइफ के साथ कहता हूँ जी कि मुझे जो है वो आप मेरे साथ जॉइंटली जो है ना वो करें, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर रही, तो क्या उसका रिटर्न करना मेरे साथ लाजो मल्जूम है, नंबर वन। जी बिल्कुल नंबर टू बिल्कुल, इस बड़े बड़े जी फायदे हैं स्टैंड, एक सबसे बड़ा फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन का है वो, भाई कबल ओके से वक्त बात हो जाएगी ना, तो फिर दूसरों को जी समझ में ठीक लेना ये है क्या ठीक बला है। सर। हाँ आई जी, थिंक वो मैं 5,000 डॉलर की क्रेडिट मिलता है आपको, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अभी अभी उस पर नहीं जाते, देखें मसला ये कि अदरवाइज जिनको थोड़ा बहुत जो प्रीवियस क्लास लेके आए हैं ना, मुझे पता है उनको आउटसाइड नॉलेज है होगी ना, तो बट थोड़ा सर। नहीं ख्याल नहीं मैंने रखेंगे। कोई अच्छा प्रीवियस साल मैंने कोई प्रीवियस माशाल्लाह क्लास नहीं ली, ये मैं जी आपसे जी मैं नॉलेज अगर लेने अपना के लिए थोड़ा क्वेश्चन हुआ। कंप्लीट कर लूं सर अच्छा मैं। एक जी देखें, जो पहले अदनान को बात करने दें, नौमान साहब, देन विल कम टू यू, राइट? जी 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 सर, जी जी अभी अभी उसमें बात नहीं करते क्या बेनिफिट मिलेंगे, मैं खाली बता रहा हूँ बेनिफिट्स हैं, बस इतना काफी है, सही है? जी वो हम जब आगे मैं प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो सही है। सर 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 थैंक यू सो मच, मैं अभी बेनिफिट्स की कोई बात नहीं कर रहा, मेरा जी क्वेश्चन जनाब, एक जी जनाब, फ्लाइट से जी अदनान रेलेवेंट साहब, है। जी मेरा क्वेश्चन ये है था सिर्फ ये था कि क्या वाइफ को लाजो मलजूम है, अदरवाइज कि मैं बेनिफिट्स को अभी छेड़ नहीं रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने कहा ना वाइफ को लाजम मजबूत, तो वो तो होम मेकर है, मतलब वहां पे होम मेकर की, हाउस वाइफ के लिए होम मेकर की टर्म यूज होती है, राइट? सही राइट है जी आप, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स हैं, उस वो बेनिफिट है ना, आप क्यों अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी फायदे की वजह से करेंगे ना, सबसे मेन जी फायदा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, सही है? ये जी 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 फायदा ही है, वरना तो क्या जरूरत है, अगर कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि देखें अच्छा एक तो रेंज, अब अच्छा मिसाल है, मिसाल इसको यहां से ही लें। सर, मैं एक मिनट, मैं उसको आप फिर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, मेरा थोड़ा सा क्लियरेंस ये है कि मैं अगेन मैं फिर साइलेंट मोड पे चला जाऊंगा, फिर वो ये है कि सर कि जो आपका सिंगल फाइलर है 10,275, मैं सिंगल जी फाइलर हूँ, जी टेन जी टू 2,075 है मेरी, फिर अगेन मेरे यहाँ पे जो है ना 20,550 पे आ जाता है अगर मैं अपनी वाइफ के साथ करूंगा। जी अच्छा फिर जी इसके बाद मेरी एक सेपरेटली भी है, अगेन आपने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वो सेम टू सेम ही है, 10,275 बिल्कुल है। जी जी अच्छा अब बिल्कुल अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि हाउस होल्ड हूँ, तो फिर मेरा वो सेम क्यों नहीं हुआ? चले ये हो सका नेक्स्ट टाइम, आप नेक्स्ट इसकी फ्लाइट, नेक्स्ट वजह है, फ्लाइट इसकी वजह है, उसमें उस बेनिफिट है वो की मैं वजह आपको है, ठीक बताऊंगा, उसकी वजह है, है बस, ठीक है उसकी बस वजह ये है, वो मैंने सब आप चीजें डिस्कस, वो बस एडवांटेज मैं जी ठीक जी है वो मैं आपको बताऊंगा, जब हम रिटर्न्स पे आएंगे ना, तो हम केस सिनेरियोस की जो बात करें वो इसमें सारे केसेस डिस्कस होंगे, तो जी फिर आपको जी बेनिफिट बताने में ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट आपके सामने होगी, सही है, जी जी ठीक अमाउंट है आपके सामने होगी तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों बेनिफिट दिया गया है। जी ठीक है बेसिकली यूएस में हेड ऑफ हाउस होल्ड उसको कहते हैं, कि हमारे यहाँ पे तो हेड उसको कहा जाता है ना कि जनाब हमारे बड़े हैं घर के, वालिद साहब हैं, ये इसकी डेफिनेशन आईएस ये नहीं करता कि घर का बड़ा है,
हाउ हेड ऑफ हाउसहोल्ड की डेफिनेशन ये होती है कि आपका लेट्स सपोज शोहर नहीं है किसी का, एक उसी का हस्बैंड नहीं है और उसके साथ बच्चे भी हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं, बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उन पे, तो फिर वो हेड ऑफ हाउस होल्ड के अंदर आता है, वो उसे बुजुर्ग के लिए नहीं है। हेड ऑफ हाउस होल्ड जब भी कहलाएगा कि आपके वालिद, कोई आपका वालिद वालिदैन है उनमें से किसी की आप किफालत करें, उनको संभाला हुआ है आपने, मेजर खर्चा उनका आप उठा रहे हैं, तो भी हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी आती है। तो जब और अगर वालिद केसेस ना में हो सर, अगर वालिद ना हो तो वाइफ ही को मैंने संभाला हुआ है फिर। वाइफ को संभाला हुआ है, तो वो वाइफ, अगर वाइफ कोई हैंडीकैप मसला है वाइफ का, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। वाइफ वो आप नॉर्मल संभाल रहे हैं कि मैं घर का बड़ा हूँ। हमारे में तो ये होता है ना, मर्द कमाता है, औरत जो है वो घर की देखभाल करती है, तो फिर उसके लिए जी MFJ है, उसके लिए मैरिड ठीक फाइलिंग ज्वाइंटली आएगा, राइट। ठीक 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 चलें, थैंक यू। अच्छा, अब मैं जो है आगे मूव करता हूँ। नौमान साहब, आपको कोई रेलिवेंट सवाल है तो प्लीज। सर मैं इसमें इन्हीं भाई के सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर, थोड़ा सा बताना ही पूछना ही चाहूंगा आपसे सर। जब आपकी सर आवाज म्यूचुअल नहीं आ रही नवान फंड साहब, डिस्टॉर्शन जी बहुत है, आपकी आवाज बहुत कम है। जी जी आप मेरी आवाज आ रही है, जी इट्स बेटर, आप आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा जी सर, बेटर। मैं भाई के साथ थोड़ा सा वो ऐड करूंगा इसकी बात के तरी। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब हम, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रही है, मैं मेरे एज पे कि दोनों को सेपरेटली फाइल करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स उतना ही कटेगा, आप चाहे इकट्ठा कर लें या नहीं सेपरेटली कर सर, लें। उसके हाँ उसकी तो वजूहत है, वो खैर अभी हम डिस्कस नहीं करते उस टॉपिक पे, देखें वो। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, अगर वाइफ अगर जॉब नहीं कर रही है, अगर वो हाउस वाइफ है, तो फिर ज्वाइनली करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आपको बेनिफिट और क्रेडिट ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। नहीं, वो और इसी भी बात पे फैक्टर्स हैं, करूंगा। एक सिर्फ एक फैक्टर को ना देखें आप अभी, वो आगे जब करेंगे तो पता अच्छा चल सर, जाएगा चलिए आपको। ठीक सही, सो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई प्री मेच्योर बात अभी ना करें, बिकॉज ओके टॉपिक 100% किसी को नहीं पता, और फिर वो बात क्या करे, वो बात टॉपिक से हटके हो तो दैट्स नॉट रेलिवेंट ना, तो उसको भी समझने की हद तक रखें, स्टिक टू द टॉपिक, दैट्स इट। सही है, ओके थैंक यू जी। ओके ओके चले अभी सवाल जवाब थोड़े रुक जाए, हम इसको डिस्कस कर लेते, फिर मैं जब बोलूंगा, जब मैं सवाल लूंगा आप लोगों से, बट दैट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, टॉपिक से हट के कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर ये सवाल जवाब इसी में टाइम पूरा हो जाएगा हमारा। चले जी आगे चलते हैं। अभी हैंड जिनके रेज हैं वो प्लीज लोअर कर दें, जब व्हेन आई लास्ट, मैं क्लास में थोड़ा टाइम दूंगा एंड में एक टॉपिक्स क्वेश्चंस का, तो फिर हम उस पर आ जाएंगे। अभी टॉपिक पर हैं, मेरा मकसद बताने का ये था कि हमने जो बात की कि सर मिनिमम जो है टैक्स वो है 10%, सही, वो ये इसका बैज ये है, और अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का मकसद क्या होता है कि मियाँ बीवी, अब मकसद ये नहीं कि वो बीवी जॉब कर रही है या कौन जॉब कर रहा है, उसको छोड़ देते हैं अभी, वहां पे मियाँ बीवी की टर्म यूज नहीं होती, वहां पे टैक्स पेयर और स्पाउस की टर्म यूज होती है। सिंगल अगर बंदा है, वो शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, सही जनाब, वो अगर इसका स्लैब कहीं उसकी जो एनुअल वेज है, एनुअल रिटर्न है, उसमें जो टैक्सेबल इनकम अगर इस कैटेगरी पे कहीं भी फॉल करती है, तो वो परसेंटेज उस पर लागू होगी, राइट। अगर 539,900 से ओवर है तो 37% पे वो चले जाएगा। इस तरह अगर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, पहले ये है क्या, तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का मतलब ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पे कहते हैं, वहाँ पे तो मर्दों मर्दों में भी शादी हो जाती है, तो वो भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होगा, वो लीगल मैरिज वहाँ पे अलाउ है, सही है। इस तरह औरत औरत से शादी कर रही है तो वो भी लीगल कैटेगरी में आ ही जाते हैं, तो हम क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ का, तो दैट्स वाई, सही है। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का मतलब ये कि मियाँ भी, अब मैं समझाने के लिए हमारी देसी लैंग्वेज में मियाँ भी ये कह रहा हूँ, मियाँ बीवी अगर मिलके फाइल करते हैं तो फिर उनके इनकी इनकी जो है टैक्स एडवांट थोड़ा स्लैब डिफरेंट हो जाता है, सही है ना, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर वो बहुत वजूहत ऐसी भी होती है जहाँ पे मियाँ बीवी साथ फाइल नहीं करते, इसकी वजह ये भी, एक मेजर वजह ये भी होती है कि डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, अभी डाइवोर्स हुई नहीं है लीगली, दे आर नॉट डाइवोर्स पर फाइल किया हुआ है, सही है। तो वो अब तो सेपरेशन के स्टेज पे है ना, कि वो कह रहे हैं कि भाई हम सेपरेट होना चाहते हैं और डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, तो वो जो है वो अमूमन वो लोग जो है ना मैरिड फाइलिंग सेपरेटली पे जाते हैं फिर, या तो ये होता है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मैं अपनी एसेट्स भी, क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये भी होता है कि अगर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हो और बीवी को कुछ पता नहीं है और हस्बैंड ने कोई टैक्स में गड़बड़ की हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें की है, तो दोनों लायबल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे आपने मिलकर फाइल किया है तो यू आर ज्वाइंटली रेस्पॉन्सिबल। बहुत सही जगहों पे ये भी होता है मसला, तो कहते हैं भाई तुम अपना सेपरेट फाइल करो, मैं अपना सेपरेट फाइल करूँ, सही है, ये भी वजह आते हैं। मेजर जो ज़्यादा वजह होती है वो होती है
आपके डाइवोर्स वाले मामला, जो सेपरेशन के मामला चल रहे होते हैं, उन केसेस में ज्यादा मैरिट फाइलिंग सेपरेटली वाला मामला चलता है। हेड ऑफ हाउस होल्ड का मैंने आपको बताया कि उसमें जो है उसमें मामला ये रहता है कि वो जो घर का सरबरा, इस तरह के वो सर की वो घर की मेजोरिटी जिम्मेदारी उस पर है। घर के सरबरा का मकसद ये नहीं कि घर का बड़ा, घर के सरबरा का मकसद यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि उस पर घर की जिम्मेदारी ज्यादा है, मतलब उसका बच्चा भी है वो, मतलब वो अगर घर बच्चा ना हो वो तो सिंगल कहलाएगा, सही था, वो तो सिंगल कैटेगरी में आएगा, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड। उसके पास कोई डिपेंडेंट हो, उसके पास कोई डिपेंडेंट हो जिसकी वो देखभाल, मतलब उसकी मेजोरिटी एक्सपेंस वो कर रहा है, उसकी देखभाल के हवाले से खर्चा कर रहा है, तो फिर ये कैटेगरी आती है हेड ऑफ हाउस होल्ड की। एक और कैटेगरी भी होती है, वो हम जब रिटर्न करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, वो विडोवर और विडो का भी होता है मामला, कि आप आपकी आपके शौहर का या किसी आपके वाइफ का डेथ हो गई है, उस हवाले से वो कैटेगरी आती है, पर उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से वो यहाँ पे कवर नहीं की गई अभी, पर वो कवर बाद में आगे जाके एक्सप्लेन की जाएगी कि क्या डिफरेंस क्या है उसके अंदर। अच्छा, ये थोड़ा मैंने खाका कह लें आप इसको, स्ट्रक्चर कह लें, ये 1040 के हवाले से स्ट्रक्चर है, थोड़ा ये डिस्कस किया था कल क्लास में, तो ये जब हम रिटर्न पे आएंगे ना, जब मैं सही तरह आपसे डिस्कस हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना तो सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होंगे, और जब रिटर्न प्रैक्टिकल करने पे आएंगे तो फिर मैं आपको कंपैरिजन इसका बताऊंगा कि यार ये क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस इनकम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएंगी जब प्रैक्टिकल पे आएंगे। खाली थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए था, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुई है थोड़ी बहुत, बट ये कि इट्स बेटर कि मैं इसको जब प्रैक्टिकल आए तो मैं आपको समझाऊँ। देखिए उसमें क्या होगा, फिगर्स भी जब आ रही होंगी ना तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको सिर्फ समझने के लिए यहाँ तक समझें, एक टर्म यूज़ होती है रिटर्न के अंदर, AGI कहलाती है, मतलब मैं आपको रिटर्न में दिखा भी देता हूँ, आपको मैं 1040 में दिखाता हूँ, ये 1040 का पैटर्न है, इस पर देखें AGI आ रही है, ये 11 लाइन में AGI है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, राइट, ये AGI है, और इसमें जो है टोटल टोटल इनकम आती है, इसमें से सर्टेन एडजस्टमेंट्स होती हैं जो माइनस होती है, ग्रॉस इनकम कह लें या टोटल इनकम कह लें, राइट, दोनों एक ही चीज़ है, टोटल इनकम कह लें या ग्रॉस इनकम कह लें, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें से आप जो एडजस्टमेंट्स माइनस करेंगे तो AGI कहलाएगी। ये AGI जो कि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जब प्रैक्टिकल हम डेटा एंट्री वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, सही जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसमें फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक टर्म यूज होती है, उसमें ये एक स्टैंडर्ड IRS ने दिया हुआ है कि आप इसको डिडक्ट कर सकते हो, अलाउबल है, ये अभी आगे की स्लाइड में आ रही है, सही है। अच्छा, अब सेकंड क्लास बेसिकली हमें यहाँ से शुरू करना था, बट जाहिर सी बात है थोड़ा न्यू कमर्स भी थे तो थोड़ा मैंने रिवाइज कर दिया, बट अब जो हमारे इंशाल्लाह आगे की क्लास होगी जो कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक में है, तो उसमें जो है हम फिर आगे की बात करेंगे, फिर पीछे की, हाँ सवाल जवाब मैं कर सकता हूँ कि सवाल मैं कर लूँ पूछ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, बट दोबारा ये रिविजन नहीं हुआ। अच्छा, पहली बात आती है सर, ये तो आपने बता दिया IAS क्या है, फॉर्म क्या है, सही है, स्ट्रक्चर 1040 का आपने थोड़ा दिखाया हमें, हमें 1065 का स्ट्रक्चर दिखाया, सर आपने 1120 का नहीं दिखाया, सर 1120 और 1120S का भी दिखा दें, बिल्कुल सर दिखा देते हैं आपको। ओके, सही है जी, ये देखें, ये स्ट्रक्चर है 1120 का, यहाँ पे 1120 मेंशन है, ये क्या है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न US का, सही, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसमें डिफरेंट डिटेल्स होती हैं एज कम्पेयर टू 1065, इट्स डिफरेंट, सही है, ये स्ट्रक्चर पैटर्न थोड़ा, ये इसका बैलेंस शीट का और पैटर्न सेम नजर आएगा आपको, बट इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। अच्छा जी, और में हम आ जाते हैं 1120S पे आ जाएं, ये सारी देखें मैं IRS की साइड से दिखा रहा हूँ आपको, सही है, तो कोई ये है, ये IRS के पैटर्न्स हैं जो फॉलो रिटर्न्स के अंदर भी होते हैं, टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आप डेटा एंट्री करते हैं तो वो टेम्पलेट में ऑटोमेटिक जाता रहता है, सही है जनाब। अच्छा जी, ये 1120S का पैटर्न हो गया जनाब, ये देख लें आप, तो इसको आप खुद भी जब आप सर्च कीजिएगा, राइट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, आप गूगल पे IRS उस फॉर्म का नेम लिख दें,
मैंने सिंपल इसी तरह सर्च किया है, मैंने सिंपल गूगल पे लिखा IRS 1120S फॉर्म, गूगल ने मुझे इसका लिंक दे दिया, मैंने ओपन किया, आप आराम से इसको रिव्यू करना चाहें रिव्यू कर सकते हैं। सही, ये सारा देखें पैटर्न इसका सही। तो ये चार चार फॉर्म पे हम, क्योंकि ये मेजर यही फॉर्म यूज होते हैं, तो इन चार 1040 1065 पार्टनरशिप का हो गया, देखें US रिटर्न ऑफ पार्टनरशिप इनकम मेंशन भी किया हुआ है ऊपर, सही जनाब। और ये है US कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स रिटर्न, ये मेंशन किया हुआ है, और ये है US इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एन एस कॉर्पोरेशन, राइट, ये मेंशन किए हैं सारे। तो इट्स इजी टू फाइंड आउट, बहुत आसान है, गूगल पे आप रेलिवेंट लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा लेट्स बैक टू द स्लाइड्स। अच्छा वी हु मस्ट फाइल, कौन करना चाहिए कि सारे सभी करें, नहीं देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन फाइल कर सकता है, हम थोड़ा पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट कंसिडरेशन व्हेन थिंकिंग अबाउट इंडिविजुअल टैक्सेशन इज यू मस्ट फाइल अ रिटर्न टैक्स रिटर्न। सर ये सबसे पहला सवाल होता है ना, ये कौन कौन फाइल करेगा, मतलब किसको रिक्वायर्ड कौन कौन है। जनरली अ टैक्स पेयर मस्ट फाइल अ रिटर्न इफ हिज इनकम, इफ हिज और हर इनकम इज इक्वल और ग्रेटर देन द सम ऑफ, देखें एक टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। सर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन किए जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी 2023 में जो रिटर्न भरेंगे ना, 2024 में जिन रिटर्न पे काम होगा वो 2023 के होंगे रिटर्न, उसमें अभी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है। 2022 का जो अभी अभी रिटर्न फिल आउट किए गए हैं, जो फाइल किए गए हैं, जो गए हैं उन पे सिंगल के लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए ये अमाउंट डिफरेंट डबल हो गई, अब 12,000, अब 12,950 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 2 तो दैट विल बी 25,900, राइट, अमाउंट ये आ गई। फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करें तो उसकी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन उतनी हो जाती है जितनी की सिंगल की है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में जाएंगे तो उसका डिफरेंट है इन इन से, मतलब क्योंकि हेड ऑफ हाउस होल्ड का होता है कि यार है तो आप सिंगल हो गए पर आपके पास जिम्मेदारी है, आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर है क्या, अब इसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक अमाउंट बता दी कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात चल रही है, तो मैंने खाली अभी अमाउंट बताई। ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या चीज है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक अलाउबल डिडक्शन है जो कि IRS कहता है कि आपकी इनकम का लेवल कुछ भी है, जो कुछ भी आपके इनकम का लेवल, इट डजेंट मैटर, आप इतना कम काट सकते हो अपने रिटर्न से। अब वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑटोमेटिक काटता है वो अमाउंट को, जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो आपको बताऊंगा, देखें ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो वो IRS की लेट डाउन अमाउंट है, इट डजेंट, ये अमाउंट जो है ना ये आपके रिटर्न पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप सिंगल, हाँ आपकी रिटर्न की कैटेगरी क्या है, अगर आप सिंगल फाइलर हो तो ये आप एक ऑटोमेटिक ये अमाउंट आपके, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट, अगर आप सिंगल हो तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगी आपके रिटर्न के अंदर से, सही है। हाँ अगर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हो, MFJ हो, MFJ की टर्म होती है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, अगर आप MFJ हो तो 25,900, जब प्रीवियस जो अभी 2022 के रिटर्न फाइल हुए हैं उनमें ये ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है आपकी आपकी AGI से। मिसाल के तो मैं आपको एक रिटर्न दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर बोल क्या रहे हैं। मिसाल है एक सा, ये साहब थे रिचर्ड जॉनसन साहब, सही है, इनका स्टेटस रिटर्न का क्या है हम वो भी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है MFJ, राइट, क्यों, इनकी स्पाउस भी है, इनका मोहतरम का नाम टैक्स पेयर है रिचर्ड जॉनसन है, मोहतरमा का नाम है कैरवन, राइट, इनका एक बच्चा भी है क्रिस्टोफर के नाम से, तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली भी है और इनका एक डिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट चाइल्ड क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा दिखाने के लिए कि प्रैक्टिकल दिखता किस तरह का डेटा एंट्री। तो इनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अब मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली का मैंने आपको कहा ना कि मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है MFJ का 2022 के हवाले से 25,900 डॉलर्स, सही है। ये डज इट डजेंट मैटर ऑन आपकी
इनकम कितनी भी हो, अब इन इनका W-2 से इनकम आ रही है, इनको इन्होंने इंटरेस्ट भी इनकम भी एक थी, वो भी हम बात करेंगे आगे जाके। इनकी टोटल इनकम ये थी और कोई इनकी उनकी AGI भी इतनी, उनकी एडजस्टमेंट हुई नहीं है। तो AGI इनकी ग्रॉस एडजस्टेड इनकम जो है वो है 38,582। AGI इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, AGI पे ही बहुत सारी चीजें बेस कर रही होती है। AGI इनकी ये है, तो AGI से आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गई। देखें स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट ले लिया इसने, इसने सिनेरियो क्या देखा कि भाई मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली है, तो उसने खुद ब खुद 25,900 जो कि 2022 का रिटर्न है, 2022 का रिटर्न है, उस पर इसने खुद ही अमाउंट ले ली और आपकी AGI से ये अमाउंट डिडक्ट हो गई। तो जो अमाउंट डिडक्ट हुई वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इस टैक्सेबल इनकम पे ये टैक्स लगता है, सही है? फिलहाल समझाने के लिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखता है, ये कोई किसी कोई परसेंटेज नहीं है, ये फिक्स अमाउंट है ये जो कि आपके फाइलिंग स्टेटस पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया। जी जनाब, आगे चलते हैं, हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस स्लाइड पे हम क्या बात करें। अच्छा जी, आप जिस आप जो है आप जब फाइल करोगे, जब आपको लगता है कि आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन से आपकी इनकम ज्यादा है तो आप फाइल कर सकते हो, पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत कब्र उस वक्त हो जाएगा। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से आप अगर फाइल करते हो तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, टैक्स क्रेडिट्स का एडवांटेज होता है जो कि टैक्स क्रेडिट्स कहलाते हैं, वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। अच्छा जी, फिर सर्टेन जो है एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आते हैं। एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, वो उनके लिए होता है जिन हजरात की उम्र जो है ना वो 65, ये सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स कहलाते हैं, जिनका 1040 SR भी बनता है जो कि 1040 के पैटर्न पे होता है, बट इट्स डिफरेंट, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं। तो उनका क्राइटेरिया क्या, कौन हो सकते हैं जिनकी 65 और इससे ज्यादा की एज है या ब्लाइंड है, ब्लाइंड है एक्सेप्ट फॉर मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, मेरिट पर्सन फाइलिंग सेपरेटली, वो मतलब मिसाल के तौर पर अगर वो ब्लाइंड है और एज फैक्टर जो है 65 है या उससे ज्यादा है, तो फिर उनके लिए एक डिफरेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडिशनल डिडक्शन होती है, वो हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल समझाने के लिए कि कौन लोग फाइल करते हैं। बट इसमें बहुत सारे टैक्स प्लानिंग का पार्ट होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर क्रेडिट्स मिल सकते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप फाइल करो, आपको पैसे देने के बजाय रिफंड मिल जाएगा तो आपको और एडवांटेज हो जाएगा। ना फाइल करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फायदा रिफंड मिल जाएगा तो आप कर लो फाइल। तो वो इट ऑल डिपेंड्स सिनेरियो क्या है उस वक्त, सही है? अच्छा, वेन टू फाइल, अब फाइलिंग डेट्स की बात चली थी सर, फाइलिंग डेट्स क्या है। IRS की फाइलिंग की डेट्स बड़ी फिक्स होती हैं, हमारी फाइलिंग की तरह नहीं है कि एट द एंड पर इसमें एक्सटेंशन मिलती है, इनके एक प्री डिफाइंड डेट्स होती हैं। वो प्री डिफाइंड डेट्स क्या हैं कि ड्यू डेट होती है 15 अप्रैल की, राइट, 15 अप्रैल की ड्यू डेट होती है। 1040 की बात कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मार्च इंपॉर्टेंट मंथ है और अप्रैल इंपॉर्टेंट मंथ है। किस तरह सर, इस तरह इंपॉर्टेंट है कि जब आपके जो दो दो रिटर्न दो फॉर्म्स है ना, 1065 और 1120S, जिनको पास थ्रू एंटिटी भी कहा जाता है, मैंने कल बताया था पास थ्रू एंटिटी, पास थ्रू एंटिटी एक टर्म है, उसका मतलब होता है कि आप जैसे सी कॉर्प पे, जो कि सी कॉर्प पे जिसका जिसको हम रिपोर्ट करते हैं 1120 पे, उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 21% का, सही है? उन पे, उस पे तो टैक्स लगता है। बाकी जो 1065 है और 1120S है, मतलब 1065 से मुराद पार्टनरशिप और 1120S से मुराद एस कॉर्प, सही है? इस पे इन पे टैक्स नहीं लगता, इनकी जो भी इनकम होती है, जो उस वक्त की इनकम हुई वो शिफ्ट हो जाती है 1040 पे। वो किस तरह होती है वो आगे बात करेंगे, वो एक पैटर्न होता है उसके थ्रू हम उसको जिस वो जो भी इनकम होती है इन दो रिटर्न्स की, 1065 जो कि पार्टनरशिप है और 1120S, इनकी जो इनकम है इस पर टैक्स नहीं लगता, ये पास थ्रू कहलाता है। पास थ्रू मतलब क्या कि ये इसकी जो इनकम है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसका बिजनेस है उसके रिटर्न के अंदर शिफ्ट हो जाती है और फिर उस पर टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। तो इनको कहते हैं अमूमन जो सी कॉर्प, इसको कहते हैं डबल टैक्स भी कहला जाता है। डबल टैक्स क्या, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है और फिर जो उसका शेयर होल्डर है उसको अलग से टैक्स भी देना पड़ता है उसकी उसकी इनकम पे, तो डुअल टैक्स कहलाता है। पास थ्रू, PARR, पास थ्रू एंटिटी, मैं दिखा देता हूं आपको टाइप करके।
पास थ्रू ये स्पेलिंग है, पास थ्रू एंटिटी। तो इनका इसकी जो इनकम होती है ना, इनकी अब जो कंपनी की अपनी इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो इसके ओनर या इन्वेस्टर के उस पर शिफ्ट हो जाती है, राइट। तो इस पर ये टैक्सेबल, ये कॉरपोरेशन टैक्सेबल नहीं होती। इनका जो इनकी जितनी भी इनकम आपने कमाई है, वो आप इसका जो इसका ओनर है या इसका मेंबर है, शेयर होल्डर है, उसके रिटर्न में रिपोर्ट होगी, और फिर उसके रिटर्न पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ना, ये टोटल इनकम में रिपोर्ट होती है, उसमें एडअप हो जाती है, फिर इसकी बेसिस पे फिर टैक्स लगता है। फिर उसका जो ब्रैकेट हमने डिस्कस किया, ये ब्रैकेट, फिर वो ब्रैकेट पे इसकी जो भी इनकम का लेवल होगा, ये ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट, उसको पे देखा जाएगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा। जी मुर्तजा अहमद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मुर्तजा अहमद, आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल मोहतरम। अच्छा सर, मैं आप ये फॉर्म्स कुछ दिखा रहे थे, तो उसमें इनके कोई W8 W9 फॉर्म भी होता है US में? W9 कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है। ऑलराइट, W8 और W9 दो फॉर्म होते हैं मेरे ख्याल में। W9 की बात करो, W8 भी होता है, पर वो फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल W9 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है। वो क्यों होता है वो फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास में ना, क्या चलिए उसका ठीक है सर, पर्पस क्या ओके है। सर। सही जी, जी जी चलिए, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अच्छा फिलहाल मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास, देन फिर सवाल दोबारा बाद में लूंगा। वो काफ़ी देर से हैंड रेज हुआ तो मैं उससे पूछ लिया। ओके, अच्छा अब डेट्स की हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लें। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 1065, अगर आप 1065, मतलब बेसिकली ड्यू डेट का काम क्या होता है, जो मार्च और अप्रैल में आती है। मार्च में आती है ड्यू डेट, 15 तारीख फिक्स है। हाँ, अगर कोई 15 तारीख को वीकेंड वीकेंड आ गया है, तो फिर वो डेट, मिसाल के तौर पे अगर 15 तारीख सैटरडे को है, तो आपका आपकी जो डेट हो जाएगी, वो डेट चले जाएगी आपकी ट्यूसडे पे, क्योंकि 2 दिन ऐड हो जाएंगे, वीकेंड्स 2 दिन के होते हैं ना। हाँ, अगर डेट जो है वो संडे की आ रही है, 15 तारीख संडे को है, तो फिर मंडे को आपको फाइल करने की, मंडे, अगर संडे 15 तारीख आ रही है, मतलब अप्रैल 15 संडे को आ रही है मिसाल है, तो फिर वो वीकेंड है संडे का, तो वो डेट चले जाएगी 16 को, मंडे को, 16 अप्रैल को। हाँ, अगर सैटरडे को है 15 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को डेट चले जाएगी। इस तरह का फर्क होता है अगर वीकेंड आ रहा है, या कोई जैसे वो उनकी वहां पे कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई, या इस तरह आ गया कोई, तो फिर वो उसके हिसाब से 1 दिन और मूव कर जाएगा। तो अगर 2 दिन का गैप है तो 2 दिन मूव कर जाएंगे आगे, 1 दिन का गैप है तो 1 दिन मूव कर जाएगा। वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, मतलब एवरीवन नोज, जो फील्ड का बंदा उसको पता है कि IAS की डेट फिक्स है। तो 1065 को रिपोर्ट करना है, या 1065 हो गया, 1120 हो गया, तो उसकी डेट है मार्च 15। ये एक्सटेंशन डेट होती है बेसिकली। आप या तो रिटर्न फाइल करो, तो आपका रिटर्न कंप्लीट है तो आप फाइल कर दो। रिटर्न कंप्लीट नहीं है, आपको लगता है यार अभी इन्फॉर्मेशन पूरी आई नहीं है और मेरा रिटर्न कंप्लीट नहीं है, सही है, तो आप एक्सटेंशन फाइल कर देते हो। आप उसको एक्सटेंड एज एन एक्सटेंशन फाइल कर दोगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ दिखाने के लिए, और फाइल में जाता हूँ। तो मेरा रिटर्न, लेट सपोज ये कंप्लीट नहीं है, रिचर्डसन है, इसका 1040 है, इसकी डेट है 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल को किसी भी वजह से क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, या मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं बहुत ज़्यादा, मुझ पर लोड है, मेरे पास और भी रिटर्न हैं, अब मुझे लग रहा है इसका रिटर्न कम्प्लीट होगा नहीं, और है ना, अगर मैं फाइल नहीं किया तो फिर पेनल्टी लग जाएगी, IRS पेनल्टी लगाता है लेट फाइलिंग के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सटेंशन फाइल कर दूंगा कि मैंने एक्सटेंड कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे जब डेट आती है फाइलिंग की, तो एक्सटेंशन गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना कि भाई 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया है, तो एक्सटेंशन ये वही है, पर इनका फिक्स है। मतलब अगर मैंने एक्सटेंशन, अब ये मैं अप्रैल समझे, कल, आज अप्रैल 15 है, आज लास्ट डेट है फाइलिंग की, अप्रैल 15 को 1040 की, 1120 ये लिख लें आप, 1120 पहले तो लिख लें, 15 मार्च फाइलिंग की डेट है, 1065 पार्टनरशिप की, और 1120 एस कॉर्प की, ये हो गया 15 मार्च, राइट। अच्छा जी, 1040 और 1120 इनकी फाइलिंग की आखिरी डेट है 15 अप्रैल, सही है, सबकी 15 अप्रैल नहीं है, दो की 15 अप्रैल है, दो की 15 मार्च है, राइट। तो 1065 और 1120 एस, इसकी जो फाइलिंग डेट है 15 मार्च है, और आपके 1040 और 1120 इसकी फाइलिंग डेट है 15 अप्रैल, समझ गए जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था,
एक्सटेंशन का मसला ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि यार रिटर्न कंप्लीट नहीं होगा और मुझे, और अगर मैं नहीं मैंने फाइल किया तो मुझे लेट फाइल पेनल्टी लगेगी आईएएस की तरफ से, लेट फाइलिंग होगी, तो मैं जाता हूँ ऑप्शन पे एक्सटेंशन के। अब मैं कहता हूँ ये 15, अब ये रिचर्डसन साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए, कुछ इनकम्प्लीट दिए हैं, वो कह रहे हैं मुझे मैं आपको दे दूंगा, इट विल टेक टाइम, या मेरे 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 पास टाइम नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि यार इट्स आई एम ओवर बर्डन या इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको अभी वक्त पे कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये 15 अप्रैल को 1040 के हवाले से, 15 अप्रैल को मैं इसको एक्सटेंशन फाइल कर दूंगा। मैं पहले भी कर सकता हूँ टाइम गे, ऐसे में बेसिकली टाइम एक आईएएस की तरफ से लीनियंसी है कि आपको टाइम मिल जाएगा। कितना टाइम मिलेगा? 6 महीने का। मतलब ये है कि 1040 के मुझे फाइल 1040 करना था 15 अप्रैल को, पर मैंने एक्सटेंशन फाइल करने की वजह से मुझे आईएएस ने 6 महीने और दे दिए, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो जाएगा। ये आईएएस एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे एक्सेप्ट कर लेगा मेरे पास रूम हो गया, अब मैं 6 महीने तक इसको, 15 अक्टूबर तक, अगर आप महीने काउंट करें 15 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक, तो ये 6 महीने बनते हैं, राइट? तो 6 मंथ्स की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब मेरे पास टाइम है कि मैं इन बिटवीन फाइल कर दूं, ये 15 अक्टूबर तक उसको खींच सकता हूं। हाँ, 15 अक्टूबर तक अगर मैंने फाइल नहीं किया तो फिर मुझे लेट फाइल पेनल्टी लगेगी, वो आईएएस की कैलकुलेशन होती है, वो डे वाइज चलती है। अच्छा जी, जी जनाब, कोई सवाल? जी मुर्तजा अहमद, आपका सवाल है, आपने हैंड रेज किया है। जी मुर्तजा, जी सॉरी सर, वो ऑलरेडी हो चुका था आपसे पूछना। चले परफेक्ट, लोअर कर दे हैंड, मैं कर देता हूँ आपका, म्यूट भी कर लें। जी कामरान ऑल राइट रफीक साहब, जी, थैंक यू सर फॉर द माइक। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इस काम के लिए आपको अमेरिकन कल्चर से और सोसाइटी के वहां के जो नॉर्म्स हैं उसको समझना भी जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी, आई मीन आपकी मुझे आवाज बैक आ रही है, तो थोड़ा अपना स्पीकर्स को वो कर दें प्लीज, थैंक यू, म्यूट कर लें, मैं सवाल का जवाब देता हूँ आपको। देखिए कामरान साहब, इट्स नॉट नेसेसरी, आपको एनवायरनमेंट का टैक्स के हवाले से प्रैक्टिसेस का मालूम होना चाहिए कि हाउ थिंग्स वर्क, टैक्स के हवाले से किस तरह चीज करती है और कौन कौन से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसके अंदर ग्रिप है, बिकॉज जाहिर सी बात हम रिपीटेटिव सिनेरियोज भी करेंगे, और जाहिर सी बात है देखें कोई बंदा ये क्लेम करे ना मुझे सब पता है टैक्स के हवाले से, तो ऐसा है नहीं। इवन जो इंडस्ट्री में लोकल टैक्स भी जो कर रहे हैं, जिनको ओवर डिकेड टाइम हो गया है, उनको भी रेफरेंस के लिए कभी चेक करने के लिए, कोई ऐसा सिनेरियो होता है उसके लिए रूल्स देखने पड़ते हैं एफबीआर के भी ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इंडस्ट्री में रहेंगे तो आपको इंडस्ट्री के नॉर्म्स भी मालूम पड़ेंगे, अमेरिका में प्रैक्टिसेस भी मालूम पड़ेंगी, और ओवर द पैसेज ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म आ जाएंगी कि हाउ थिंग्स वर्क इन यूएस, यूएस के हवाले से किस तरह चीज़ें काम करती हैं। सही है जनाब? जी मोहम्मद तैयब साहब, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, जी जनाब। सर एक बात बताइएगा, ये कि एक्सटेंशन हम लोग फाइल करेंगे कि एक्सटेंशन क्लाइंट खुद फाइल करेगा? नहीं, जब आप एक क्लाइंट के लिए तो हम प्रिपेयर लोग कर रहे हैं तो तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए आप करेंगे ना, ये बताइए, ये तो बता रहा हूँ मैं सर आपको। उसके लिए तो ई फिन आपने बोला था पहले कि आपको आप बना के उसको दे देखिए, अगर देंगे आप तो पीटिन बना रहे हैं, क्लाइंट के रिटर्न उसको बना वो रहे हैं, और क्लाइंट को कहते हैं कि यार मैं जो है ना एक्सटेंशन आपके एसएसएन के जरिए फाइल कर देता हूँ, तो वो तो अलग एसएसएन के थ्रू कर देंगे ना आप, तो ठीक क्लाइंट है के सर। सॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर तो आप यूज करेंगे एसएसएन, क्लाइंट का क्लाइंट ई फिन अपना ले सकता है, अपने जी एसएसएन पे बेहतर दे दिए सर और आपको दे दे। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जी हमारे जी यहाँ पे जो लोकल काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, उनके पास खाली पीटिन है, तो क्लाइंट को आप क्लाइंट्स को आइडिया नहीं कि हाउ टू प्रिपेयर टैक्स, तो आप कहते हैं वो आप ई फिन ले लो, सही है, और मैं जी मेरे जी पास पीटिन है तो आई विल फाइल फॉर यू, सही है जनाब, ठीक तो आप सर। उसको एसएसएन के और जरिए उसके सेकंडली कर लेंगे। सॉरी, जी सर, और सेकंडली सर ये जो 1065 और 1120S है, इसकी जी जनाब, एक्सटेंशन की भी ड्यू डेट जो होती है वो 15 अक्टूबर ही है? नहीं, 6 महीने का एक्सटेंशन मैंने कहा ना, आप 15 मार्च से 6 कर ले लें तो सेप्टेम्बर 15 बनती है, सही है जनाब। अभी मैं टेन ठीक है फोर्टी खाली नाम लिया था ना, दैट्स मैं 1040 का बता रहा था आपको। बेहतर तो इसी बेहतर तरह अगर ठीक आप मार्च 15 को एस कॉर्प और पार्टनरशिप बिजनेस जो कि 1065 है उसकी एक्सटेंशन करेंगे तो वो आपकी 15 सितंबर को चली जाएगी। जी आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ, सर। ये हु मस्ट फाइल के अंदर आपने पहला पॉइंट है रेगुलर स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट, इसके अंदर जो आगे लिखा हो ना एक्सेप्ट फॉर मैरिज फाइलिंग सेपरेटली प्लस, इसका क्या मतलब है सर? इसकी मस की वजह यह है, प्लस मतलब ये प्लस नीचे को कंटिन्यू करने के लिए प्लस यूज हो रहा है, मैरिट फाइलिंग सेपरेटली में
ये भी होता है कि स्टैंडर्ड नहीं, मतलब आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के सिनेरियोज डिफरेंट है ना, हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है उसका सिनेरियो डिफरेंट हो, और टैक्स पेयर जो है आप हस्बैंड का सिनेरियो डिफरेंट हो, और जो खातून है उनका सिनेरियो डिफरेंट हो, पर हम बहुत सारे केसेस में मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में भी, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, हम रिटर्न फाइल करवा देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत, मैंने कहा ना बहुत सारे क्रेडिट्स होते हैं तो जिसका एडवांटेज आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे ना, देन ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा ये है। क्योंकि अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकता यहाँ पे एंटर करते हुए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पे बतानी है इससे पहले, तो वो ये चीज़ जो क्यों कह रहे हैं वो पर आपको आगे समझ में आ जाएगी वजह क्या है। राइट जी ठीक है हसन सर। रजा साहब, एक चीज बताइएगा, जैसे इधर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है तो उनकी वेबसाइट से हमें जो इसका ऐसे कोड कहते हैं, IRC कहते हैं, तो वो कोड हमें कहाँ से मिलेगा? वो उसकी कोई ये बुक ऑर्डिनेंस इनके होगी? नहीं होते, इनके सेक्शंस होते हैं, IRS के सेक्शंस होते हैं, तो ये IRS की वेबसाइट भी आपको मिलेंगे। जब भी मैंने वेबसाइट आपको पहले दिखाई, अच्छा, तो आपने ये ये डिटेल एवरीथिंग ली अभी, 3.1, 3.3 वाला, ये सारी उधर से ली, वेबसाइट से ली है? जी, ये वहाँ की उसी तरह नहीं, ये तो उससे भी होता है, आई मीन नोट्स, हेलो सर्टेन नोट्स होते हैं जिसको हमें रेलिवेंट होता है, हम यहाँ पे उसको शो करते हैं, अच्छा तो ये IRS के वो नहीं है, दीज आर जस्ट पॉइंट्स, सही है ना। सो IRS के जो अच्छा आपको कोर्स नहीं है सेक्शंस ये होते हैं, फिर? सो ये कोर्स नहीं है तो पॉइंट्स है खाली, कि ये चैप्टर वाइज पॉइंट्स है खाली। अच्छा बेसिक क्या ठीक चीज है, है, बेसिक आपको जो भी आपके सेक्शंस है ना वो IRS की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। देखें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मतलब आज मैं अपनी एक जो ऑल क्लास चल रही है इनको ये टॉपिक दिखा रहा था IRS की वेबसाइट से, कि आप जो है उनको जो जरा एडवांस लेवल पे चले गए तो उनको मैं यही समझा रहा था कि आप जो है किस तरह जो है रिसर्च वर्क कर सकते हैं, किसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपके जहन में नहीं आ रही, क्लिक नहीं हो रही, आप उसको और पढ़ना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप IRS की वेबसाइट पे इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो जितनी भी सेक्शंस हैं रेफरेंसेज हैं वो सारी चीज़ें आपको IRS की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। थैंक यू जी फहीम साहब, आपने अनम्यूट किया हुआ, आपके कोई सवाल है? यस सर। सर मैंने एक US बेस्ड कंपनी में ही काम कर का रहा हूँ, तो जी आपने 1040 के बारे में बताया कि मतलब आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, तो मैं ये जी जानना चाह रहा था कि अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है जिसकी पर्सनल फाइल हमने करनी है, तो कोई ऐसे जी जी डॉक्यूमेंट होंगे जो हम उनको लिस्ट बना के दें कि हमें ये प्रोवाइड कर दें? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जी क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि क्लाइंट जो है ना, उसको ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे तो वो अनॉय हो जाता है, तो एक ही बार ये डेफिनेटली कोई लिस्ट बना के दें कि ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करें। जी, तो वो मैं लिस्ट आपको बताऊंगा अभी, पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा अभी, मैं कह रहा जब प्रैक्टिस करेंगे ना ये प्रैक्टिस, देखिए सारे जी सर, सिनेरियोज हैं इसमें, W-2 भी आ रहा है और रेलिवेंट चीज़ें हैं। पहले तो आपको उसको क्लाइंट को पूछना पड़ेगा, भाई आप आर यू अ सैलरीड पर्सन और आर यू मतलब वर्किंग फॉर समवन, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लिस्ट में आपको बता दूंगा, ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर चेक लग जो होगा वो दे देगा, जो नहीं होगा वो नहीं देगा। और बेस्ट तरीका ये भी होता है कि उसका प्रायर रिटर्न देख लें, कि अगर लेट्स वो कहीं और से पहले फाइलिंग करवा रहा था, उसके पुराने कोई रिटर्न है, वो भी आप स्टडी कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार ये अच्छा इसके W-2 भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो चेकलिस्ट भी है बहुत सारी, मतलब ये होता है प्रैक्टिकली बताऊं, आप क्लाइंट को चेकलिस्ट देते हो ना तो वो उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही उससे चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इरीटेट हो, बहुत मतलब कुछ चीज़ें मिस होती हैं तो आपको ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस या कॉल पे अगर आप उससे कर सकते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो चलती रहती है। आपने लेट्स सपोज उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए भी थे, सर्टन डॉक्यूमेंट मिस हो गए, आपने इसका प्रायर रिटर्न जाके देखा, पुराना रिटर्न जो प्रीवियस रिटर्न था, प्रायर से मतलब प्रीवियस रिटर्न, तो उस पर आपने देखा यार ये चीज़ भी आ रही है तो उसने दी नहीं, तो फिर आप उससे इंक्वायरी तो करेंगे ना। हाँ उसको आप सारा रिव्यू कर लेंगे, फिर जो आपकी क्वायरी होगी वो आप लिस्ट डाउन करके उससे पूछ सकते हैं। सही है जनाब, जी चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहते हो आप सीखते रहते हो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रैक्टिस होती है, तरीका कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो ऑन दैट, आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जी मोहम्मद आसिफ, आई थिंक आपका सवाल हो गया था ना, हैंड रेज हुआ हुआ आपका, मैं लोअर कर रहा हूँ हैंड को आपके। चलें जी वी आर गुड, आगे चलते हैं। तो ये डेट्स का, अच्छा डेट्स के हवाले से तो किसी का रेलेवेंट सवाल नहीं है, डेट्स ओके हो गई, तो मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं मुझे सवाल है, अब हैंड रेज कीजिएगा, कोई अनम्यूट नहीं करेगा जब मैं कहूँगा, जब करेंगे हैंड रेज कर सकते हैं, तो मुझे काइंडली कौन बताएगा कि अगर मैं, मेरे पास एक क्लाइंट आया है और उसका जो है पार्टनरशिप बिजनेस है, तो मैं कौन सा फॉर्म उसके रिटर्न को इस्तेमाल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करूंगा? जी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ जवाब देंगे टेन प्लीज, सिक्सटी अनम्यूट। फाइव सर,
सर टेन परफेक्ट, चलिए सिक्सटी गुड फाइव यूज करूंगा गुड। और 15 मार्च लास्ट डेट है उसकी सर। अच्छा 15 मार्च को मेरा डेट, अब आप जवाब नहीं देंगे, कोई और देगा। अनम्यूट कर, अनम्यूट करने, सॉरी आसिफ, अनम्यूट करने प्लीज। अच्छा मिसाल है, आसिफ साहब ने कहा सर 15 मार्च है। अच्छा 15 मार्च ऑन द क्लॉक है, और मैं जो है मेरे पास टाइम नहीं है, या आई एम ऑक्यूपाइड, ये क्लाइंट ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अभी कह रहा है यार वो सॉरी अब मैं दे दूंगा, अब क्या करें। तो अब व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि यार अभी मुझे आईएएस की पेनल्टी ना लगे, तो मैं क्या क्या करूंगा? मोहम्मद हमजा प्लीज आप बताएं क्या करूंगा मैं, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप। सर 15 मार्च अगर हमारी लास्ट डेट है, तो हम उस वक्त तक जो है ना एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं 6 महीने की, यानी पंद्रह जी सितंबर तक हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी, उस दौरान हम दोबारा बेहतरीन, फाइल। जी मेरी जिंदगी इससे आसान हो जाएगी, राइट। जी चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा म्यूट कर लें प्लीज, जो इनके जो जवाब दे दें वो म्यूट कर लें, थैंक यू जी। अच्छा हबीबुल्ला साहब आपसे सवाल है कि मेरा जो है एक साहब आए मेरे पास, वो कह रहे हैं यार मुझे अपना पर्सनल फाइल करवाना है रिटर्न, तो व्हाट मैं अब क्या किस पे फाइल करूंगा, मतलब मैं सोचूंगा या मैं उसको क्या जवाब दूंगा हबीबुल्ला साहब? सर 1040 फॉर्म पे उसका पर्सनल का जो है ना इंडिविजुअल का वो फाइल होगा, चलें थैंक और यू, उसकी बहुत बहुत जो शुक्रिया लास्ट जी जी डेट है प्लीज, वो 15 अप्रैल होगी, थैंक यू, उससे बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बिफोर उससे पहले जो है ना वो फाइल करनी होगी। बिफोर नहीं, मतलब 15 तारीख खत्म, मतलब रात के 12 बजे भी मैं फाइल कर सकता हूँ, बस डेट 16 नहीं होनी चाहिए, समझे आप? ऐसे ऐसे ही आप सर, आपके ऐसे पास रात तक का टाइम है, मतलब मैं अगर ऐसे ही अपनी सर। बात करूँ तो मैं जब रिटर्न फाइलिंग की डेट्स चल रही होती हैं, तो मैंने 14 14 15 15 घंटे भी ऑन एवरेज, मतलब 12 13 घंटे तो लग ही जाते हैं, कभी कभी 14 घंटे भी, 15 घंटे तक भी बात गई है, सही, ठीक हो गया। इतना इंटेंस चल रहा होता है। खैर मेरा पोर्टफोलियो माशाल्लाह, मैंने मोर देन 700 रिटर्न्स पे काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट्स अ गुड माशाल्लाह, पोर्टफोलियो, सो वो जाहिर सी बात है काम भी टफ होता है जी। सही। आप एक, जी जी फरमाइए हबीबुल्ला साहब। अच्छा जी मोहम्मद आतिफ साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर मुझे मुझे मेरे पास टाइम नहीं है और 10:40 मुझे फाइल करना है, और आई एम ऑन द क्लॉक, सो बड़ा मुश्किल टाइम हो गया, फेज हो गया, तो 15 अप्रैल बस लास्ट है, तो मैं क्या फाइल कर दूं रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, फाइल कर दूं बचने के लिए आईएससी पेनल्टी से? इनकम्प्लीट रिटर्न, इज इट द राइट थिंग टू डू आतिफ साहब, मोहम्मद आतिफ आपने हैंड रेस किया हुआ है, मोहम्मद आतिफ जी जी सर, उसके लिए मैं एक्सटेंशन अप्लाई करूंगा और एक्सटेंशन जो है वो उसको और लूंगा। अच्छा सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है, थैंक यू आतिफ, मोहम्मद आतिफ थैंक यू। अच्छा जना तो देखिए ये आप बोलेंगे ना मैं पार्शियल, आप ये सॉफ्टवेयर बड़ा रोबस्ट किस्म के होते हैं, खैर प्रो कनेक्ट की मैं बात करूँ, मेरी एक्सपर्टीज प्रो कनेक्ट में ज़्यादा है, मैंने ये यूज़ किया, इसमें डायग्नोस्टिक का एक वो आ रहा होता है, तो ये क्या होता है कि ये आपको बताता है कि आपने क्या चीज़ें मिस की हुई हैं, तो वो उसको पहले क्लियर करें। ये ई फाइल ऐसे ही नहीं हो जाएगा, एक्सटेंशन तो फाइल हो जाएगी, एक्सटेंशन में आप थोड़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे ना, क्लाइंट का नाम डाल दिया, चीज़ें डाल दी, डिटेल्स डाल दी छोटी मोटी, तो एक्सटेंशन फाइल हो जाएगी, तो यू आर सेफ, बट टोटल आप जब मेन रिटर्न फाइल करने जाओगे ना, तो वो इतना आसानी से फाइल नहीं होगा, इनकम्प्लीट फाइल ही नहीं होगा, वो ये डायग्नोस्टिक देगा, ये एरर दे रहा है ना, ये जो आइकॉन दे रहा है ये बता रहा है कि आपने अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिस की हुई हैं, इसको पहले रिजॉल्व करें, इसके बाद फिर आप ई फाइल करने के काबिल होंगे, अभी तक ई फाइल नहीं हो सकता, सही है जी। अच्छा जी एक सवाल है लिखा हुआ है, विल आई डिमांड प्रीवियस रिटर्न एज वेल? हाँ अगर उसने वो टैक्स पेयर पास में रह चुका है, तो आप उससे जैसे आप अगर 2022 का रिटर्न प्रिपेयर करें, तो उसको कहेंगे कि यार 2021 का रिटर्न दो, क्यों? क्योंकि आपको उस रिटर्न के अंदर वो उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, पुराने रिटर्न की भी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। हाँ अगर आपने उसका रिटर्न प्रिपेयर आप ही हैं, प्रीवियस भी आपने प्रिपेयर किया, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, उसका डेटा आपके पास होगा, ये रोल फॉरवर्ड हुआ था, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी नहीं, इसमें प्रायोरिटी, अगर जैसे वो नया क्लाइंट आया है और वो कहते हैं हाँ भाई मेरे पास 2021 का रिटर्न है, तो आप बोलेंगे सर वो मुझे दे दें, तो उसकी प्रायर रिटर्न की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डलती है प्रायर ईयर समरी में, ये देखें 2021 में आपकी क्या अमाउंट्स थी, कंपैरिजन होता है वो, जब इस पे आ जाएंगे ना, जब मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, तो यहाँ पे अब मिसाल के तो मैं मिसाल देता हूँ, इसकी 2022 की थी 38,000, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 21 में 37,000, मतलब मिसाल के तौर पे इसकी इनकम, टोटल इनकम में डाल देता हूँ 37,000 थी,
अब चेंज देखिएगा, ये डालना पड़ता है। फर्स्ट टाइम कोई रिटर्न बना रहा है तो नहीं होगा, जिसने बनाया है जिंदगी में पहली मरतबा तो उसका तो डेफिनेटली प्रायर रिटर्न होगा नहीं, बाय क्लाइंट के प्रायर रिटर्न है तो आप मांगोगे। देखें कंपैरिजन शीट बनती है, ये डालना जरूरी होती है। आ गया अमाउंट यहाँ पे कंपैरिजन के, आपको ये कंपैरिजन देता है और ये रिक्वायरमेंट भी है, ये डेटा आपको डालना पड़ता है। डालना अच्छी बात है, मतलब मैं तो कहता हूँ जरूरी है, समझे सही है। अच्छा जनाब, सवाल मैं थोड़ी देर बाद लेता हूँ, पूरा मैं आगे कवर कर लूँ चीज़ें। ये एक टॉपिक हमारा कवर हो गया, आगे चलते हैं। ये मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बता दिया, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन इज स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट, इसका काम क्या डिडक्शन है। डिडक्शन क्या करती है, अमाउंट को रिड्यूस करेगी, जो आपकी इनकम की अमाउंट है ये आपके सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट ये है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप सोचे ना कितना बड़ा डिडक्ट, आपकी अमाउंट से इतना ज़्यादा पोर्शन निकल गया, डिडक्ट हो गया, तो आपके टैक्स, आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो अब कम हो जाएगी, सही है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है क्या है, एक डिडक्शन है जिससे आप जिसके जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, सही है। वो सिंपल अल्फाज में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, इट्स अलाउेबल डिडक्शन, इट्स एन अलाउेबल डिडक्शन बाई दी आई एस विच रिड्यूसिस दी टैक्सेबल इनकम। एक सिंपल अल्फाज में, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स लगना है उसको, वो AGI से माइनस होती है तो टैक्स की इनकम कम हो गई, आपकी रिड्यूस हो गई। जी आगे चलते हैं। अभी मुख्तलिफ किस्म के 1040 भी आता है, मैंने कहा था 1040 SR भी आता है, 1040 NR भी आता है। अच्छा आपका रिटर्न, लेट सपोज आपसे रिटर्न में गलती हो गई और वो आपने फाइल कर दिया, क्लाइंट ने बोले यार ये चीज़ ये इतनी नहीं थी, इतनी थी, ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो ट्रिगर नहीं हुई, रिटर्न फाइल हो गया, तो फिर आप 1040X फाइल करते हो, उसको कहते हैं अमेंडमेंट रिटर्न। हम ये भी देखेंगे 1040X में, उसको पैटर्न भी दिखाता हूँ। ये अमेंडेड रिटर्न होता है इसका, इसका पैटर्न यहाँ पे 1040X लिखा हुआ होता है, सही। इसमें जो आपको चेंजेस करनी होती है ना, फिर आप यहाँ पे उस तरीके से करते हो कि यार ये चीज ओरिजिनल मैंने जो रिपोर्ट किया था वो इतना था, अब जो मैं चेंज कर रहा हूँ उतना है, मतलब ये नेट चेंज लिखोगे वो करेक्ट अमाउंट आ जाएगी फिर। ये तो ये अमेंडमेंट मतलब कोई वेरिएशन है आपकी इन्फॉर्मेशन, कुछ आपने गलत कर दी थी, अब चेंज है वो, तो वहाँ पे आप इसको फिर अगर रिपोर्ट करोगे। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, कहीं बहुत एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है 1040X। अच्छा बट स्केड्यूल ए भी होता है, स्केड्यूल बी भी होता है, ये सारे पार्ट, क्योंकि हम 1040 को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो देन फिर ये हमारा जो है टॉपिक आएगा कि मैं आपको बताऊंगा, देखें ये स्केड्यूल ए है, जैसे मिसाल है ये 1040 है, ये 1040 है, इसके रिटर्न पे आता हूँ। ये आ गया स्केड्यूल ए, डिडक्शंस के अंदर आता है ये आइटमाइज डिडक्शन। आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है, ये अगली क्लास में भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। स्केड्यूल ए हो गया, इस तरह डिफरेंट स्केड्यूल सी होता है, स्केड्यूल डी होता है, इन सब के स्केड्यूल की अपनी फंक्शनैलिटी है, इनके हर किसी के अपने एक नाम है। इनके टॉप स्केड्यूल ए क्या है, आइटमाइज डिडक्शन के लिए होता है। स्केड्यूल डी क्या है, डिस्पोजिशंस, मतलब आपने कोई सिक्योरिटी डिस्पोजिशन का मतलब कोई आपकी वो है, आपने शेयर्स खरीदे हैं उनको बेच रहे हैं, उसके हवाले से रिपोर्ट होता है। स्केड्यूल सी है आपका कोई बिजनेस है जो ना 1040, जैसे मिसाल है, एक मिसाल है आपने एक LLC फॉर्म की, वो पार्टनरशिप भी नहीं है, वो एस-कॉर्प भी नहीं है, वो सी कॉर्प भी नहीं है, नॉर्मल एक एंटिटी है, या नॉर्मल आप कोई कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उसके बिजनेस इनकम में आता है। ये हम जब प्रैक्टिकल सिनेरियो करेंगे ना उसमें चीज़ें आएंगी, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। अच्छा जी आगे हम देख लेते हैं, ये डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं, सही है ना। ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जब बताऊँ आपको, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी आपको। अच्छा इस तरह W-2 में आपको फॉर्म दिखाया है ना कि किस तरह का दिखता है, ये देखें W-2 फॉर्म, W-2 फॉर्म ये रहा, ये W-2 है, सही, इस तरह का दिखता है इसका पैटर्न। इसमें आपकी सैलरी आ रही है, वेजेस हैं, सैलरीज है वो आ रही हैं, फेडरल इनकम टैक्स आ रहा है आपका, सोशल सिक्योरिटी की जो वेजेस है अमूमन सेम होती हैं, कहीं कहीं डिफरेंट होती हैं, उस पर जो टैक्स कट रहा है वो आ रहा है, सब चीज़ें। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं
1099 की बात हुई थी, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यूज होता है। 1099 दो तरह के होते हैं अमूमन, अगर वेजेस के हिसाब से बात की जाए तो डिफरेंट भी होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है। अब ये इसलिए इस्तेमाल होता है, किसी कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर है, इसको आपने पेमेंट की तो ये इसको फॉर्म इशू होगा, वो अपनी रिपोर्ट करेगा। दिस कैन बी इंडिविजुअल बिजनेस के लिए भी यूज होता है। अच्छा, दे और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सही है। सर्टेन इनकम के लिए होते हैं, इंटरेस्ट इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम है उसके लिए भी 1099 फॉर्म यूज होता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। मिसाल है, मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मुझे बैंक ने, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट भी यूज होता है, मुझे अगर इंटरेस्ट दिया बैंक ने, जो कि यहाँ पे अमूमन मिलता है लोगों को, तो उसके लिए भी एक फॉर्म इशू होता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट इनकम। 1099 की किस्म है, 1099 NAC भी होता है, वो नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन होता है। 1099 मिससेलिनियस होता है, MIS भी कहलाता है। 1099 INT, ये इंटरेस्ट इनकम के लिए इस्तेमाल होता है। सही है जी। तो मुख्तलिफ किस्म के 1099 फॉर्म होते हैं, जो कि इनकम, आपको जो भी इनकम मिली होती है ना, इनकम के लिए रिपोर्ट होते हैं आपको, वो चाहे आपने किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए इनकम होती है। अब 1099 डिविडेंड भी होता है, एक डिविडेंड अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है तो 1099 DIV यूज करके होता है। तो 1099 एक बहुत बहुत फॉर्म की ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जी शहजाद, आपको कोई सवाल है? जी शहजाद, सर, एक्सटेंशन फाइल करने के लिए जरूरी है कि मुझे किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके करनी होगी या आप सिंपली जो एक भी ईमेल सॉफ्टवेयर या यूज करें फैक्स? उसके अंदर ऑप्शन होता है। सर, एक क्या सिंपल IRS को फैक्स करके या ईमेल के जरिए हो सकता? नहीं 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 ईमेल वाला कहाँ नहीं है, तो आप पेपर फाइल करके लेटर में भेजेंगे, इसको पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, पोस्टल होगा, कोरियर सही, करेंगे। और बेस्ट बेस्ट बताऊँ बेस्ट क्या है, बेस्ट ये इस तरह से होता है ई फाइलिंग के, यार आपके पास टाइम है, आप पेपर फाइलिंग अगर कर रहे हो तो बहुत पहले भेजना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा टाइम पहले भेजना पड़ेगा, आई गॉट टेक्स इट। टाइम। ठीक, बट बेस्ट थिंग ये ई फाइलिंग का ये होता है कि आपने अभी रात के 12 बजने वाले हैं, और 1 मिनट पहले भी अगर आपने आपने इसको 1 मिनट पहले नहीं कीजिएगा, मतलब आपने आधा घंटा भी पहले किया, जी IRS ने अगर इसको एक्सेप्ट, आधे घंटे के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, यू आर गुड टू गो, समझ गए आप? आई गॉट इट, तो ये फायदा ई फाइलिंग का ही होता है। थैंक जी यू। मोहम्मद हमजा, सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो 1040X हम फाइल करते हैं, जी माता तो जी, अगर मिस्टेक हमसे 15 अप्रैल को हुई और उसके बाद हमें पता लगा कि हमसे मिस्टेक हुई है, तो क्या फिर पेनल्टीज लगेंगी, इसको किस तरह से नहीं डील नहीं नहीं करेंगे? नहीं 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 आप करेक्शन के लिए भेजते हो तो वो फाइलिंग के बाद ही कभी लेट पता चला तो मसला नहीं है, क्योंकि आपने फाइल कर दिया, आप एक्सटेंशन दे रहे हो तो उसके लिए रूम होता है, उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। नहीं, हाँ, आपने एक्सटेंशन अमेंडमेंट फाइल ही नहीं की तो IRS आपको लेटर भेज देगा, भाई ये करेक्शन हमें लग रहा है कि आपके एंड पे करेक्शन है, आपने जो रिपोर्ट किया है एज पर आर रिकॉर्ड्स ये मैच नहीं कर रहा। सही ठीक है, ना? तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगी उस सूरत नहीं, में ऐसा? पेनल्टी तो लेट फाइलिंग पे होती है। चलो बस, सही है, सही है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। पेनल्टी सर्टेन केसेस भी होती है जहाँ पे आपने गलत अमाउंट किए और IRS को पेमेंट में डिले कर दिया आपने, टैक्स ही पेमेंट में, तो सर्टेन केस ऐसे होते हैं कि पेमेंट में अगर डिले हो गया तो उस पर भी लग जाती है। मोहम्मद आतिफ साहब, आपका कैमरा ऑन था, प्लीज वो कर दें। अच्छा जनाब, अब देखिए, ये मैं फॉर्म्स की बात कर रहा था ना, 1099 NEC, नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए आता है, ये किन के लिए होता है, ये फ्रीलांसर्स के। आप लोगों में से कितने फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर US मार्केट में कर रहे हैं, आई डोंट, लोकल मार्केट की बात नहीं कर रहे, US मार्केट के हवाले से आई एम आस्किंग। जी ओसामा साहब, अली साहब, ओसामा साहब, आप बताएं कि आपको ये कभी फॉर्म मिला है 1099 NEC इस तरह का, ये मिसलिनियस का, ऐसा हुआ है कभी इत्तफाक? नहीं, मैंने आज तक कभी पे ही नहीं किया टैक्स। ये करना है बस, अगर आप US, अगर हाँ ये आपको कब करना है, अगर आप US नहीं, मार्केट में डायरेक्ट काम कर रहे हो और आपको 1099 NEC इस्तेमाल आपको मिल रहा है, तो फिर आप रिपोर्ट करोगे I-10 पे अपने, सही, आई नॉन थिंक रेजिडेंट। मैं दो तीन तरह से पेमेंट लेता हूँ। एक तो अपर फाइबर वाली होती है, उसका आई गेस वो प्लेटफॉर्म ही कर देते हैं, उधर से हम वो फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। W8 या W9 फॉर्म मिलता है शायद, और डब्ल्यू बाकी नाइन तो मैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है ना, वो मिलता ही आपको इस वजह से, वो W9 तो आप दोगे, मतलब आप, ओके। मिसाल है कि W9 जो होता है ना वो आप, जैसे मिसाल है मैं किसी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ ना, तो मैं उसको W9 में अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके दूंगा कि भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म W9 फाइवर, तो फाइवर से आपको कलेक्ट करना पड़ता है, आपको लिए W9 इंपॉर्टेंट होता है, बट आप नहीं करे तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं गर्दन से कि
क्योंकि आप यूएस में रह नहीं रहे, अगर ये यूएस में रह रहे होते तो फिर तो आपको प्रोसेस करना जरूरी होता। मैं आपको खाली से फॉर्म का वो फॉर्मेट दिखा दूंगा। इस तरह का होता है, सही। सही है जी। तो वो जो है फिर आप उस पर जो है सब मेंशन कर दो चीजें क्या मामला है। और बाकी जो पर्सनल पायोनियर और वाइज मैं यूज करता हूँ उस पर भी मैंने आज तक कभी नहीं दिया। वो आपको उस वजह टेंशन नहीं है ना कि आप यूएस में नहीं हो, अगर यूएस में टैक्स फाइल करोगे ना तो आपको आगे जाके एडवांटेज हो सकता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कल को आपको यूएस का प्लान करते हो तो दैट कैन ऐड एंड ऐड वैल्यू कि हाँ यार मैं टैक्स पेयर हूँ। सही, आई एम नॉट, आई एम फाइलिंग एज अ टेन, देखो 1040 NRI इसीलिए ना, नॉन रेजिडेंट एलियन के लिए इसीलिए। तो अब फ्यूचर को अगर देखो तो इट्स गुड टू फाइल बट इट्स अप टू यू। सही है ना, सही 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 आपको आईएएस पकड़ने नहीं आएगा यहाँ पे, आप यूएस में होते तो अलग बात होती। थैंक यू जी अली साहब। जी अली साहब, जी अली आपने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा जी मोहम्मद हमजा। सर अभी फाइलिंग से रिलेटेड आप बात कर रहे थे तो मैंने मैंने आपको बताया था कि मैं एज एन अमेजोन सेलर काम करता हूँ, तो मेरी एलएलसी वहाँ पे मौजूद है। तो मैं 1120 फाइल कर किया था लास्ट टाइम ना, 1120 फाइल ओहो किया था, और उसके साथ जो है वो फॉरेन एंटिटी का जो 5472 फॉर्म होता है वो भी फाइल हुआ था। 1120 किसने मशवरा दिया था फाइल करने के लिए? आप तो सिंपल 1090 है, एनआर में अपना बिजनेस इनकम दिखा देते, दैट्स इट। सर मैंने इसको खुद फाइल नहीं इलेवन किया ट्वेंटी था, से नुकसान पता नहीं एक्सेप्ट कर लिया है इसने, एक्सेप्ट हो गया है। मेरे और पास ट्वेंटी वो वन परसेंट काट भी दिया। नहीं, इनकम जो थी वो जीरो थी ना, वो एलएलसी मेरी अच्छा, बनी पर थी वो डिसेंबर फॉर्म में। गलत इस्तेमाल किया था आपने। नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने फाइलिंग करवाई थी किसी से, तो अभी पर्पस ही यही है कोर्स करने का कि नेक्स्ट टाइम खुद फाइल करूंगा। मेरी दिसंबर 2022 में बनी थी एलएलसी ना, तो मैं अच्छा जीरो अच्छा अच्छा इनकम फाइल की थी। तो अब इसके बारे में आपसे फर्दर भी इन्फॉर्मेशन लूंगा कि मुझे क्या फाइल करना चाहिए अब नेक्स्ट। क्लासेस चलेंगे ना इंशाल्लाह, फिर आपको जी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, फिर आप मुझसे पूछोगे भी नहीं, आप खुद ही कर लोगे इंशाल्लाह। सही ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। इंशाल्लाह। अच्छा क्लास रैप करने का टाइम हो गया है, तो थोड़ा बस मैंने ये डिस्कस करना था कि देखें डिफरेंट टाइप के 1099 होते हैं, एनईसी होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए जो कि जॉब नहीं कर रहे, जॉब मतलब नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन, मतलब वो बंदे जो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे। तो ये एनईसी को भी टाइम, ये पहले ये 2021 में समझे इम्प्लीमेंट हुआ है तरीके से ना, इससे पहले एक ही फॉर्म चलता था 1099 मिसलिनियस, उसी पे आपके रेंट भी आप कर रहे थे। ये 1099 एनईसी इस तरह का कुछ दिखता है। नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन को तो इसका फॉर्म ये जरा इस तरह की शक्ल सूरत होती है इसकी, इस तरह का दिखता है। सही है ना, यहाँ पे जो कंपनसेशन आपको मिली है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो इस तरह का दिखता है, इस तरह फिर और भी फॉर्म होते हैं, इस तरह का भी पैटर्न, ये पैटर्न ही हो गया इसका 1097, एक ही पैटर्न है खाली डिफरेंट वो दिए हैं। सो आपका जो जनाब क्या हो गया, आपका 1099 सी हो गया, इस तरह 1099 मिसलिनियस होता ही है। इसमें लोग पहले इसी को यूज करते थे, 1099 NEC आया नहीं था, तो ये 2021 से गालबन जो मेरी नॉलेज में एक इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है। इससे पहले लोग मिसलिनियस में रिपोर्ट कर देते थे, तो मिसलिनियस में रॉयल्टी भी आती है, रेंट भी आता है, आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है उसके हवाले से प्राइजेज अवार्ड्स भी कुछ मिले हैं जो कि अदर देन NEC है। नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन के अलावा जो है वो फिर इसमें रिपोर्ट होते हैं अगर इनकम है। तो पहले तो एक ही चलता था, अब इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, इसी वजह से कर दिया कि फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए फिर एक अलग ही फॉर्म बना दिया उन्होंने। इस तरह 1099B होता है जो कि ब्रोकर और बार्टर एक्सचेंज प्रोसीड्स, मतलब ये जो आपने कोई शेयर्स खरीद लिए हैं, सिक्योरिटीज हैं आपके पास, कोई आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है उसकी जो सेलिंग और होती है वो उस पर रिपोर्ट होती है। सही है, आपकी कोई डेट डेट है, आपने कोई बैंक से डेट लिया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेट लिया हुआ है, अब आपने वो वेव करवाया है, आप पे नहीं कर पा रहे, कोई आपने रिक्वेस्ट की है वो कैंसिल हो गया है, तो उसके लिए भी 1099C यूज होता है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये 1099 में डिविडेंड की बात की थी, अगर आपके कोई शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड मिल रहा है वो ये है, और बॉस ये इंटरेस्ट इनकम की बात की मैंने, और जी यूज होता है कोई गवर्नमेंट की पेमेंट या आपको मिली है, कोई रिफंड आपको टैक्स के हवाले से मिल रहा है, कोई नॉन एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये 1099G इस्तेमाल होगा। इस तरह 1099K होता है,
ये आपको मिलता होगा जो अमेजन पे काम करें, 1099 के आप लोगों ने देखा होगा, थर्ड पार्टी नेटवर्क से जो ट्रांजेक्शन आती है, कार्ड पेमेंट होती है, ऐसा है हमजा मोहम्मद हमजा? नहीं सर, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ ये ये। मिलता किस है वैसे अमेजन का, ये आता है मेरी नॉलेज में है, मैंने देखे हुए भी है ना, किस उसमें जिनके आता ई है कौन? कॉमर्स स्टोर हो है ना, ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कार्ड पेमेंट से प्रोसेस होती है चीजें जी ओवर द इंटरनेट, ये वो फॉर्म उसका आता है, और जो कंपनी होती है ना जो कर रही होती है वो आपको प्रोवाइड करती है, तो अमेजोन का मैंने देखा हुआ है। अच्छा, नहीं सर मेरे मुझे हाँ कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरी इसका। नॉलेज में, खैर चले, आई डोंट नो वाई, शायद हम पाकिस्तान में तवज्जो देते नहीं है, हमारे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस पर ट्रांजेक्शन होती है ना कि आपको पेमेंट कितनी अमेजोन ने पे की है, क्या चीज़ें, मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह आगे, ये जरूर जरूर, थैंक यू सर। नो वरीज। 1099R है, ये पेंशन वेंशन आपको मिलती है ना इसके हवाले से, मतलब मैं बताने का मकसद ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है, देखें बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो जिस तरह सिनेरियो चलते रहेंगे इस तरह ये क्लास में डिस्कशन चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी रैप अप करने का टाइम है जी, शहरोज खान, शहराज शिराज खान साहब जी, सर फरमाइए, आपने हैंड रेस किया हुआ, शिराज खान अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम सलाम जी क्वेश्चन मोहतरम। जो है वो तो आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कोर्स से रिलेवेंट है सर। बस जी जी सर, सर, आज एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा अभी तो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ थोड़ा है, सा थोड़ा आपकी मैं आवाज जरा वो कर लें, मुझे बिल्कुल स्लो आ रही है आपकी आवाज जनाब, अब सही है जी। बेहतर है जी। अच्छा जी, तो एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, लेकिन सर मैंने कहा मैंने तो अभी कोर्स स्टार्ट किया, चलो मैं पूछ लूंगा सर। जी मोहतरम, वो कह रहा था कि उसका मतलब वो अपना EIN वगैरह जो है ना वो क्लोज करना चाह रहा है ना जी, जी 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 तो वो कह रहा है कि उनका जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर था, तो उन्होंने उसके साथ मतलब अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, तो वो कह रहा है कि SF575 फार्म जो है उसके बगैर वो क्लोज हो जाएगा जी। यह इसके लिए होता है फॉर्म, और वो देना पड़ता है, और उसकी फीस भी गालबन शायद होती है EIN की ना, वो मुझे थोड़ा जी जी रिकॉल करना बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी रिसेंट एक्टिविटी की नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर तो होगा डेफिनेटली, तो उसको मुझे सही तरह देखना पड़ेगा, थोड़ा मुझे रिवाइज करना है उसको ना बताने के लिए, या इनक्लोज करने के हवाले से, सही है ना, तो वो फिर जी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाली क्लास में आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि लेट्स सपोज आपका एक क्वायरी है, बल्कि आप व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप होगा उसमें ग्रुप डिस्कशंस भी होती है, लोग सवाल भी करते हैं, तो मैं इसमें भी रिप्लाई इंशाल्लाह एक जनरल कर दूंगा, जब क्लास का एक ग्रुप बन जाएगा ना इंशाल्लाह, तो आई जी रिप्लाई, आप जी उस पर सवाल कर सकते हैं दोबारा रिकॉल करने के लिए, देन आई रिप्लाई इन दैट कि प्रॉपर तरीकेकार क्या है, थोड़ा मुझे इसको रिव्यू करना है, सही ठीक जनाब, है जी, जरूर, थैंक यू सर, थैंक ओके यू अल्लाह जनाब, हाफिज। सलाम वालेकुम। चलें जी मैं रैप अप कर रहा हूँ क्लास, आई होप किसी के सवाल अब है नहीं, और मैंने बीच में भी सवाल और जवाब बहुत सारे कर दिए हैं, और 2 घंटे की क्लास थी तो थोड़ा गला भी हो गया है जी। हसन रजा आप कर लें सवाल प्लीज, जी हसन रजा आपने हैंड रेज किया हुआ अगर रेजिडेंट की है। डेफिनेशन किया है सर इन्वेस्टमेंट हाँ रेजिडेंट ये होता है, देखिए यूएस में टर्म यूज होती है, एक यूएस सिटीजन, राइट, यूएस सिटीजन वो है जो वहां का है ही, और रेजिडेंट एलियन एक होता है, एक नॉन रेजिडेंट एलियन होता है, रेजिडेंट एलियन होता है आप H1B वीजा पे भी अगर जाते हो वहां पे काम करने के लिए, जो H1B वीजा होता है आप सर्च कर सकते हो H1B वीजा क्या होता है, वहां पे आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको, आप उधर भी रेजिडेंट एलियन कहलाते हो, मतलब यू आर नॉट सिटीजन, जो यूएस सिटीजन की टर्म यूज होती है जो कि रेजिडेंट है, एलियन का मतलब रह तो रहा है पर एलियन है, अनजान है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी अगर आप हो ना, मतलब बहुत सारे लोग H1B वीजा पर जाते हैं फिर वो ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ग्रीन कार्ड होल्डर भी आपका रेजिडेंट एलियन कहलाता है, कि वहां पे हो तो सही, रह तो रहे हो यूएस के अंदर बट यू आर नॉट सिटीजन, तो दैट्स व्हाई यू आर एलियन, और नॉन रेजिडेंट एलियन तो वो हो गया जो भाई इधर बैठा हुआ है और वहां पे काम कर रहा है, और वो अगर रिटर्न फाइल भी कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट एलियन कहलाएगा, वो यूएस में रहता नहीं है, और एलियन तो है ही है, सही है जी, ठीक है, जैसे आपने कहा चलेंगे कि अगर जो बैठ के काम कर रहे हैं उन पे टैक्स वो पे नहीं कर रहे हो, फाइलिंग भी नहीं कर रहे, तो उसकी कोई यार, ये हमें ऑब्लिगेशन नहीं है उनके नॉलेज नहीं, इस ऊपर? वजह से नहीं कह रहे, इसके बड़े करना चाहिए, सुना लगा वहां बैठे काम कर रहे हो ना, तो वो अगर कल को आप कोई अप्लाई अप्लाई कर दो तो ये आईएस में ट्रिगर हो सकती है ना चीज, इसका मतलब तो उधर विदहोल्डिंग नहीं है इसलिए कर रहे, विदहोल्डिंग नहीं है इस वजह से हम नहीं कर रहे, देखें जैसे पाकिस्तान में टेन तो नाइनटी विदहोल्ड। नाइन जो है, 1099 जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका तो कुछ उसका तो हिसाब किताब करता नहीं है ना, जी तो आप यूएस में ना टैक्स पे करो, यू आर नॉट लायबल दैट मच, बट यूएस जी कहता है, यूएस की आईएस कहता है कि अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हो या कुछ कमा रहे हो, यूएस से कमा रहे हो तो आप फाइल करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट ये है,
अब पाकिस्तान में बैठे हो ना तो उस वजह से टेंशन नहीं है, अगर ये यूएस में होते तो फिर इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखो ना, इफ यू वांट टू मूव, देखिए हालात की यू नेवर नो, हालात ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी का पता निकल, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इट्स गुड टू फाइल। अब बोलोगे ठीक है फजूल में टैक्स क्यों, तो हम तो यहाँ पे भी नहीं देते, वो तो हमारा पाकिस्तानी थोड़ा माइंड सेट है, मसला ही है ना। बाकी इट्स अ गुड थिंग टू फाइल। जी जी हसन, कल को ये तो नहीं होगा कि हमारी पेमेंट्स कोई रोक ले अगर फाइलिंग नहीं करते तो ये यार हमारी ऐसा पेमेंट्स वगैरह सिनेरियो मैंने रोक अभी ले। तक सुना नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, यू नेवर नो, क्योंकि कंपनी तो लायबल नहीं है ना। अब वो पाकिस्तान में बैठा, वो पाकिस्तान में कहाँ हाथ डालने को आएंगे भाई, ढूंढना ढूंढेंगे। हाँ कल को ये से वो बंदा वहां पे जाता है तो ट्रिगर हो सकता है कि आपने पे नहीं किया, अभी तो आप उनके रैकेट में हो ही नहीं ना, आपका SSN और कुछ आइटम बना हुआ नहीं है तो आप उनके रैकेट में हो ही नहीं। सही, तो ये सवाल के जवाब बहुत आ गए, अभी टाइम बहुत खत्म हो गया है क्लास का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मेरी दो क्लासेस थी ऑलरेडी, मैं दो दो घंटे की दूसरी क्लास ले रहा हूँ, सो मुझे प्लीज़ माजरत दें। हाँ जब व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाएगा तो आप उसमें सवाल करेंगे, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा इंशाल्लाह। सही है, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वॉज प्लेजर टू हैव यू गाइज ऑन बोर्ड। सो क्लास कैसी रही आज, थम्स अप कर दें, क्लास का माहौल कैसा रहा, क्लास समझ में आई, मज़ा आया, वो थम्स अप कर दें तो ग्रेट, थैंक यू, परफेक्ट। चलें जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो सवाल जवाब फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। सही, आज वैसे ही क्वेश्चंस भी बहुत हो गए और टाइम भी हमारा 2 घंटे से ऊपर चले गए अभी। थैंक यू जी, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।